Moving back to the developmental biology and important topic of developmental biology, the fertilization. Up to the last lecture, we discussed about gametogenesis. इसमें भी हम स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसके डिफरेंसेस क्या है और अल्टीमेटली स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ओजेनेसिस के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम एंड वी डिस्कस अबाउट द गैमेट्स दैट इज इन मेल द गैमेट इज सेड टू बी स्पर्म, उसके कंपोनेंट हम डिस्कस कर चुके हैं. The component of the sperm we already discussed. This is the part called as tail. इसमें भी एक first जो part होता है उसको mid piece कहा जाता है. This is the head. Head में mainly nucleus, जो कि highly condensed form of क्रोमैटिन के साथ रहेगा, प्रोटामीन्स रहेंगे. यहाँ पर पेयर ऑफ सेंट्रियोल और यहाँ पर एक्रोसोम, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और इसके मेम्ब्रेन पर भी अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, रिसेप्टर है, कुछ लिगैंड्स है, मेम्ब्रेन बाउंड लिगैंड्स, बाउंड रिसेप्टर. तो दिस इज व्हाट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, दिस इज द एक्रोसोम, दिस इज द न्यूक्लियस, उसका भी न्यूक्लियर एनवलप रहेगा, द पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड अनदर पार्ट सेंट्रल पार्ट एक्सोनियम रहेगा, के आसपास यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फ्लैजेलर एक्टिविटीज के. इस प्रकार का स्ट्रक्चर भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं. फीमेल गैमेट की बात करें, एग, वैसे सी आर्चिन में मेनली हम डिस्कस कर रहे थे कि सी आर्चिन में एग पूरी तरह से मियोसिस टू भी कंप्लीट कर लेता है और मियोसिस टू के बाद हम उसको एक्चुअल एग कहना स्टार्ट कर, दिस इज हैविंग हैप्लॉइड न्यूक्लियस. इसके अंदर भी उसके खुद के सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल के अलावा बहुत सारे कंटेंट mRNA प्रोटीन्स और एग के अंदर जो mRNA पड़े हुए हैं, मोस्ट ऑफ द mRNA दे आर नॉट अंडरगोइंग द ट्रांसलेशन बिकॉज दे आर ब्लॉक्ड. सभी के समय mRNA इस फॉर्म में है, पॉलीएटेल है, कुछ कुछ mRNA तो ऐसे हैं जिनकी पॉलीएटेल ज़्यादा लॉन्गर नहीं है इसलिए उनका ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ mRNA की पॉलीएटेल लॉन्गर है, इसके साथ कैप बाइंडिंग प्रोटीन यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E भी बाइंड हो चुका है, EIF4E, लेकिन ज़्यादातर mRNA में EIF4E के साथ एक प्रोटीन आकर बाइंड हो जाता है जिसका नाम है EIF4E बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि ब्लॉक करता है ट्रांसलेशन को, वन ऑफ द बाइंडिंग प्रोटीन मास्किन. तो बेसिकली मास्किन जब तक रहेगा तब तक कोई भी mRNA ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा. तो mRNA तो बहुत सारे पड़े हैं लेकिन ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ इट इज दे आर इनहिबिटेड बाय मास्किन प्रोटीन. इसके अलावा रेप्लिकेशन भी नहीं हो पा रहा है, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है या मेटाबॉलिक रेट बहुत कम है, लिपिड बायोसिंथेसिस नहीं हो रही है, सेल डिवाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि MPF फैक्टर एक्टिव फॉर्म में नहीं है, साइक्लिन बी अवेलेबल नहीं है, साइक्लिन बी अवेलेबल न होने के कारण सेल साइकिल भी नहीं हो पा रही है. इसका मतलब ये बेसिकली एग है जो कि डॉर्मेंट स्टेज में है. इसके बाहर हम डिस्कस कर रहे थे एक ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है, दिस इज अ लेयर इन केस ऑफ सी आर्चिन कॉल्ड एज जोना पेलिसिडा और जोना पेलिसिडा सॉरी विटेलाइन एनवलप. विटेलाइन एनवलप में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स पड़े हुए हैं, एक प्रोटीन जो एक्चुअली एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर विटेलाइन एनवलप का हिस्सा बन रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसका वेट 350 किलो डाल्टन है. एक प्रोटीन है जिसको हम EBR1 कहते हैं, दैट इज द प्रोटीन कॉल्ड एज EBR1 प्रोटीन.
PBR1 प्रोटीन है एक्चुअल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग का इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, लेकिन कहाँ एक्सटेंड हो रहा है? विटेलाइन एनवलप में एक्सटेंड हो रहा है। इट इज अ बिकमिंग अ पार्ट ऑफ व्हाट? विटेलाइन एनवलप। और हमने ये भी डिस्कस किया है कि विटेलाइन एनवलप के बाहर बहुत बड़ा थिक ऐसा लेयर होता है, व्हाट इज दैट लेयर? कॉल्ड एज जेली कोट। जेली कोट इज मेड अप ऑफ सल्फेटेड हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। सल्फेटेड हेट्रोपॉलीसैकेराइड में भी हर स्पेसीज के जेली कोट्स में जो सल्फेटेड हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हैं वो यूनिक होते हैं। स्पेसीज टू स्पेसीज सल्फेटेड हेट्रोपॉलीसैकेराइड दे आर वेरिएबल। दिस इज द यूनिकनेस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेसीज। तो हम ये जो एग है ये सी आर्चिन के रिस्पेक्ट में डिस्कस कर रहे हैं। इसी के एनालॉगस चीज़ें हम मैमिलियन एग के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। वेलकम बैक टू द मैमिलियन। बट उसके पहले हम फर्टिलाइजेशन को दो कैटेगरीज में बांट चुके हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पहले तो हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करने जा रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो या इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो, दोनों स्पेसिस स्पेसिफिक होते हैं और इनके कुछ स्टेप्स हैं जो कि कॉमन है, कुछ स्टेप्स में हालांकि वेरिएशन आता है। जैसे व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, वी ऑलरेडी डिस्कस, इट इज नथिंग बट सीरीज ऑफ इवेंट्स विच लीड टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड स्टार्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द एग और द जाइगोट। तो क्या है फर्टिलाइजेशन? सीरीज ऑफ इवेंट्स विच लीड टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्टिंग इन टू द स्टार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू जनरेशन। तो सिर्फ फ्यूजन कर कर दो न्यूक्लिया इकट्ठा करना इसको फर्टिलाइजेशन नहीं कहा जाएगा, साथ में आने वाले जनरेशन का डेवलपमेंट स्टार्ट होना चाहिए, एक्टिवेशन भी होना चाहिए। तो हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के क्या इवेंट्स होते हैं उसके बारे में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें। कई बार इन स्टेप्स पर ही क्वेश्चन आ चुके हैं, स्पाउनिंग या इन शॉर्ट कॉमनली लिखा जाए रिलीज ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स रिलीज करना इनटू द वाटर बॉडीज, एज वी नो दैट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो जो गैमेट्स होते हैं स्पर्म होंगे या एग होंगे वो वाटर बॉडीज में रिलीज किए जाएंगे, रिलीज ऑफ गैमेट्स। सेकेंड, गैमेट्स भले रिलीज वाटर बॉडी में रिलीज किए जा रहे हैं लेकिन एक दूसरे के पास पास नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत दूर भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स एग। एग अपने ही स्पेसीज के स्पर्म्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, मेनली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एक ही प्रोसेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज की जाती है, दैट इज कीमो टैक्सिस। तो एग के द्वारा कुछ बेसिक केमिकल जो स्पेसीज स्पेसिफिक केमिकल होते हैं, मेनली पेप्टाइड्स होते हैं जो रिलीज किए जाते हैं ताकि उसी स्पेसीज के स्पर्म को बुलाया जाए फर्टिलाइजेशन के। ओके, तो कीमोटैक्सिस प्रोसेस है। उसके बाद मान लीजिए आप कीमोटैक्सिस प्रोसेस के साथ साथ स्पर्म एग की तरफ आएगा, एग की तरफ आकर सबसे पहले किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? जेली कोट के साथ, इंटरैक्शन विथ जेली कोट। जेली कोट के भी साथ वही स्पर्म इंटरेक्ट कर पाएगा जिसके लिए जेली कोट में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्पेसिस स्पेसिफिक होते हैं ना, तो उस स्पेसिस के कार्बोहाइड्रेट को जो रिकॉग्नाइज कर पाता है वही स्पर्म के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ओके, इंटरैक्शन विथ जेली कोट, इट इज अगेन अ स्पेसिस स्पेसिफिक प्रोसेस। ओके, स्पेसिस स्पेसिफिक है, अट्रैक्शन भी स्पेसिस स्पेसिफिक था। इंटरैक्शन विद द जेली कोट लीड टू द एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। एक्रोसोमल रिएक्शन में दो स्टेप्स होती हैं, एक एक्रोसोम जो वेसिकल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होना, उसका सिक्रेशन होना, एक्रोसोम मटेरियल का सिक्रेशन करना और एक्रोसोम प्रोसेस बनाना, ये दो स्टेप्स इसके सब स्टेप्स हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद
इंटरैक्शन विथ विटेलाइन एनवलप के साथ इंटरैक्शन करना, ये जनरली एक्रोसोमल प्रोसेस द्वारा किया जाता है एंड दैट इज अगेन ए स्पेसिफिक इंटरैक्शन। उसके बाद फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, एग और स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे। उसके बाद एक स्पर्म एक एग के अंदर एंटर कर रहा है, बाकी दूसरे स्पर्म अब एंटर नहीं करने चाहिए क्योंकि मल्टीपल स्पर्म एक ही एग को फर्टिलाइज कर जाए तो उस जायगोट का या उस एग का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता है। इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, तो सर्वाइवल का फिटनेस कम हो जाएगा। इसलिए जनरली क्या होता है ना, एक एग को एक स्पर्म में फर्टिलाइज कर जाए तो आने वाले स्पर्म या जो भी आ चुके हैं उनका फ्यूजन जो एग है जो ऑलरेडी फर्टिलाइज है के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट स्टेप होती है ब्लॉक टू पॉली स्पर्मी, इट इज टू अवॉइड द फ्यूजन ऑफ ऑलरेडी फर्टिलाइज एग विथ मोर नंबर ऑफ स्पर्म। ऑलरेडी जिसके अंदर एक स्पर्म एंटर कर चुका है दूसरे स्पर्म के साथ उसका इंट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए ब्लॉक टू पॉली स्पर्मी। उसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ, अब हम कह सकते हैं कि जायगोट या फर्टिलाइज एग मेटाबॉलिक एक्टिवेशन के बाद फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लिया है। ठीक है, जायगोट बनने से पहले ही मेटाबॉलिक एक्टिवेशन हो जा रहा है या साथ साथ हो रहा है। मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लिया एक बार फ्यूज हो जाएंगे तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन सकता है, नाउ वी कैन कॉल इट एज अ जायगोट। और नेक्स्ट स्टेप जो कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन का हिस्सा है ही नहीं, उसके बाद क्या हो रहा है डायरेक्टली क्लीवेज स्टार्ट हो रहा है। क्लीवेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो दीज आर दी सीरीज ऑफ इवेंट्स विच लीड टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट एंड स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस दैट फर्टिलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो हम पहले सी आर्चिन के फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। वी नो दैट सी आर्चिन शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑलरेडी हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। हियर मेल एज वेल एज फीमेल दे रिलीज द गैमेट इन टू द वाटर बॉडीज। ये वाटर बॉडीज में गैमेट रिलीज करते हैं, मेनली मेल्स दे रिलीज द स्पर्म एंड फीमेल दे रिलीज द एग। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक ही स्पेसीज के एग और एक ही स्पेसीज के स्पर्म उस पर्टिकुलर जगह पर रिलीज हो जाए, बहुत सारे स्पेसीज के स्पर्म और एग एक जगह पर एक दूसरे के आसपास रह सकते हैं। उसके बाद एग मान लीजिए किसी एक स्पेसीज का है, यहाँ पर बहुत सारे स्पेसीज के स्पर्म आसपास पड़े हुए हैं, तो एग से कोई केमिकल रिलीज होना स्टार्ट होगा और क्या होगा तो मेनली पर्टिकुलर स्पेसीज के स्पर्म से इस तरफ इन एग्स की तरफ अपने फ्लैजेला का यूज कर मोटिलिटी का यूज कर माइग्रेट करना स्टार्ट करेंगे अलॉन्ग विद द ग्रेडिएंट ऑफ केमिकल। दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस। और ये कहाँ हो रहा है वाटर बॉडीज में, नॉट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अनलाइक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार से वाटर बॉडीज में स्पर्म यहाँ पर जाएंगे और स्पर्म जाकर यहाँ पर इंटरैक्ट करेंगे, अल्टीमेटली लीड टू द इंटरैक्शन विथ जेलीकोट। उसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद विटेलाइन एनवलप के साथ इंटरैक्शन, उसके बाद फ्यूजन, उसके बाद ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, देन मेटाबॉलिक एक्टिवेशन एंड लास्ट वन इज द फ्यूजन ऑफ मेल प्रो न्यूक्लिया एंड फीमेल प्रो न्यूक्लिया रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ वॉट जायगोट। तो ये जो बना अब क्या है ये जायगोट। तो बेसिकली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दोनों के दोनों ऑफ मेल एंड फीमेल जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बॉडी के बाहर गैमेट्स को रिलीज करेंगे और हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की ड्रॉबैक्स कुछ बेनिफिट्स कल डिस्कस करें। देयर इज नो नीड टू गो इन द डिटेल्स ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगेन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सिलेबस में दे रखा है सी आर्चिन
और एज कम्पेयर टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का पढ़ने का तरीका या रिसर्च का तरीका बहुत इजी है, क्योंकि पॉन्ड का एनवायरनमेंट हम लेबोरेटरीज में बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स विच कैनॉट बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरीज. दैट्स वाई वी कैनॉट स्टडी द इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन ईजी वे. तो सबसे ज़्यादा जो स्टडी हो चुकी है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की हो चुकी है, और बहुत सारी स्टेप्स, बहुत सारी प्रोसेसेस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कॉमन है. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सी आर्चिन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सो एज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है? रिलीज ऑफ गैमेट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पॉनिंग प्रोसेस. तो मान लीजिए यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे एग्स रिलीज किए गए हैं, लेकिन ये कोई एग है जो एक पर्टिकुलर स्पेसीज द्वारा रिलीज किया गया है. तो से दिस इज द अरेबिका पंक्चुलेटा, दिस इज द स्पेसीज कॉल्ड एज अरेबिका पंक्चुलेटा. ये सिर्फ और सिर्फ एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, उसके साथ हम ड्रॉ कर सकते हैं देयर इज अ व्हाट, दिस इज द विट्रिलाइन एनवेलप, और उसके बाहर जेली कोट है. सो दिस इज द जेली कोट. और ऐसा नहीं है कि एक ही एग रिलीज किया गया है, बहुत सारे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ एग्स दे आर रिलीज, बस हम एक के ऊपर फोकस कर रहे हैं. अब ये तो स्पॉनिंग फीमेल द्वारा की गई. मेल्स के टेस्टिस में जब तक स्पर्म होते हैं वह इमोटाइल होते हैं. सीआरचिन में इन मेल टेस्टिस द स्पर्म्स आर इमोटाइल. दिस इज बिकॉज ऑफ लो पीएच इन द टेस्टिस. जब तक पीएच कम होता है तब तक स्पर्म की मोटिलिटी नहीं आ सकती, बिकॉज डाइनिन मोटर कैन नॉट वर्क, एटीपी हाइड्रोलाइसिस कैन नॉट अकर. व्हाई द पीएच इज लो, दिस इज बिकॉज ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द टेस्टिस. हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा तो पीएच अपने आप कम हो जाएगा, बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर. इस प्रकार से स्पर्म रिलीज होने के पहले इमोटाइल होते हैं, बट वेन एवर द स्पर्म दे आर रिलीज्ड इन टू द वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में रिलीज किए जाएंगे तो आसपास का पीएच अल्कलाइन होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम सी आर्चिन लिव इन द सी और ओशियंस, और ओशियन का पीएच जनरली अल्कलाइन होता है. वेन एवर द पीएच बिकम अल्कलाइन, पीएच अल्कलाइन हो जाए, पीएच इफ इट बिकम्स अल्कलाइन, अल्कलाइन पीएच होने पर अब स्पर्म में मोटिलिटी आ जाती है. So now the sperms which are released, they become motile. But ऐसा नहीं है किसी एक ही species के sperm release हो रहे हैं, तो बहुत सारे sperm species ने release किए हैं, जिसका नाम है Strongylocentrus purpuratus, yes purpuratus. और yes purpuratus भी एक सी आर्चिन का ही species का species है. और दूसरे कुछ sperms हैं जो release किए गए हैं इसी area में, so these are the sperms which are released by अरेबिका पंक्चुलेटा. अरेबिका पंक्चुलेटा ने इस प्रकार के स्पेसी स्पेसिफिक स्पर्म्स रिलीज किए. नाउ हु इज दिस और व्हाट इज दिस एग, फ्रॉम वेयर इट इज ऑब्टेन, फ्रॉम द स्पेसीज दैट इज अरेबिका पंक्चुलेटा. तो स्ट्रॉन्गर सेंटर्स पर्पुरेटिस के भी एग आसपास पड़े होंगे, तो हम अरेबिका पंक्चुलेटा की बात कर रहे हैं. व्हाट इज दिस नेक्स्ट स्टेप स्पॉनिंग के बाद, जो फर्स्ट स्टेप एक्चुअली स्टार्ट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, व्हाट इज दैट? कीमोटैक्सिस. तो हम कह रहे हैं जो एग होते हैं, एग में भी जेली कोट जो होता है उसके अंदर बहुत सारे पेप्टाइड्स छुपे होते हैं. पेप्टाइड्स वहां से रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, पेप्टाइड्स दे आर रिलीज्ड एंड दे फॉर्म द केमिकल ग्रेडियंट. तो एग की तरफ पेप्टाइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम, और जहां पर स्पर्म रिलीज किया गया है उधर पेप्टाइड बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में जा रहा है. जनरली जो पेप्टाइड केमिकल ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए रिलीज किए जा रहे हैं ये 14 अमीनो एसिड के होते हैं, और वह स्पेसी स्पेसिफिक होते हैं. जैसे हम
अरेबिका पंक्चुअलिटी की बात करें, रिसैक्ट नाम का पेप्टाइड वो रिलीज करते हैं, रिसैक्ट अरेबिका पंक्चुअलिटा रिलीजेस अ पेप्टाइड ऑफ 14 अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज रिसैक्ट और रिजैक्ट। वैसे स्ट्रोंगेलोसेंटस पर्पुरेटिस के एक रहता तो रिसैक्ट ना रिलीज कर दूसरे कोई प्रकार का 14 अमीनो एसिड का पेप्टाइड जैसे कि स्पिरैक्ट रिलीज करता, स्ट्रोंगेलोसेंटस पर्पुरेटिस रहता तो स्पिरैक्ट रिलीज करता। इन पेप्टाइड्स में क्या चेंज है, अमीनो एसिड का डिफरेंस है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग है, लेंथ उतनी ही है। तो इस प्रकार से, और ये पेप्टाइड इतने सेंसिटिव होते हैं कि कोई अकेला पेप्टाइड स्पर्म पर जाकर बाइंड होता है, उसकी डायरेक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, उसको बताता है कि एक कहाँ है। तो इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी इतना कम कॉन्सेंट्रेशन में भी वो काम कर सकता है, रिसैक्ट हो या स्पिरैक्ट हो। तो दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वाले होते हैं। मीन्स कम भी कॉन्सेंट्रेशन रहा, ऑब्वियसली कम ही रहने वाला है, क्योंकि इतने बड़े पॉन्ड हो, इतना बड़ा ओशियन हो, इतना पेप्टाइड रिलीज करेंगे, बहुत कम रिलीज करेंगे। अकेला पेप्टाइड भी बाइंड होगा तो स्पर्म को पता चलेगा कि किस तरफ एग रखा हुआ है। अब तक जब तक पेप्टाइड नहीं है तब तक स्पर्म रोटेशन कर रहे हैं, मीन्स एक ही जगह पर इस प्रकार से मूव हो रहे हैं। मोटिलिटी तो है लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है, रैंडम मूवमेंट हो रही है। लेकिन उस दौरान क्या आया, उधर से कोई पेप्टाइड आया बुलावा लेकर, इधर एक बेटा हुआ। अब इस पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करने के लिए इन स्पर्म्स के ऊपर भी, मेनली स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्पेसी स्पेसिफिक क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। जैसे कि अरेबिका पंक्चुलेटा का, अरेबिका पंक्चुलेटा जो स्पेसीज है उसका जो रिसेप्टर है अरेबिका के, अरेबिका पंक्चुलेटा के पेप्टाइड को ही रिकॉग्नाइज कर सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं पेप्टाइड बाइंड होने पर क्या हो रहा है। तो व्हेनेवर द पेप्टाइड बाइंड ऑन द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द स्पर्म मेम्ब्रेन, स्पर्म के मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर है उस पर पेप्टाइड बाइंड हो जाए तो क्या होगा, तो स्पर्म में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। फर्स्ट, डायरेक्शनलिटी इज प्रोवाइडेड, स्पर्म अब डायरेक्शनली मूव कर रहा है। इस डायरेक्शन में अलॉन्ग द इंक्रीजिंग ग्रेडियंट ऑफ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेप्टाइड, डायरेक्शनलिटी आ गई। स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की मोटिलिटी थी लेकिन अब इंक्रीज हो चुकी है। क्यों इंक्रीज हो चुकी है, दिस इज बिकॉज डायनिन मोटर, डायनिन मोटर एक्टिविटी इंक्रीज, डायनिन मोटर की एक्टिविटी बढ़ गई है। वी नो दैट मोटिलिटी इज बिकॉज ऑफ डायनिन मोटर ऑल्सो, डायनिन मोटर की ATPase कंज्यूम, सॉरी ATP कंज्यूम करने की एबिलिटी बढ़ गई, उसका काम करने का रेट भी बढ़ चुका है। साथ साथ स्पर्म में रेस्पिरेशन का रेट बढ़ चुका है। रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाने का तरीका क्यों करना है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ATP बनाया जा सके फास्टर मूवमेंट के लिए। इतना ही नहीं रेस्पिरेशन के रेट के साथ साथ स्पर्म के अंदर ATP सिंथेज नाम का जो एंजाइम है उसका रेट भी बढ़ चुका है। इसका मतलब लगभग पेप्टाइड बाइंड होने पर डायरेक्शनलिटी आ जाती है, मोटिलिटी बढ़ जाती है, ATP सिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है, और इस प्रकार से स्पर्म केमिकल ग्रेडियंट का यूज कर कीमोटैक्सिस प्रोसेस से कहाँ रीच हो जाते हैं, दे विल रीच अप टू द जेली पोर्ट। लेकिन ये होता कि एक ऐसे होता है मेनली, व्हाट इज द सिग्नल ट्रांजक्शन पाथवे। तो हम स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, दिस इज द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर है पेप्टाइड्स के लिए, एंड दिस इज द रिसेप्टर विच इज एक्चुअली हैविंग गॉनलेट साइक्लेज एक्टिविटी। जैसे हम पढ़ रहे थे कि रिसेप्टर के पास काइनेज एक्टिविटी होती है, फॉस्फेटेज एक्टिविटी होती है, अलग अलग एक्टिविटीज है, उस प्रकार से गॉनलेट साइक्लेज भी एक्टिविटी हो सकती है रिसेप्टर के पास। और इस रिसेप्टर पर क्या आकर बाइंड होगा, पेप्टाइड नाम स्ट्रोंगेलोसेंटस पर्पुरेटस रहता तो स्पिरैक, और अरेबिका पंक्चुलेटा रहता तो रिसैक। पेप्टाइड बाइंड होने पर गॉनलेट साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है, और हमें पता है गॉनलेट साइक्लेज का काम क्या होता है, GTP का यूज कर साइक्लिक GMP बना देना। साइक्लिक GMP वर्क लाइक अ सेकेंडरी मैसेंजर एज वेल एज लिगैंड, इंट्रासेलुलर लिगैंड के तौर पर काम करेगा। हम बात कर रहे हैं स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स है जो लिगैंड गेटेड चैनल्स है। अब तक क्लोज था ये चैनल, दैट इज अ लिगैंड गेटेड कैल्शियम चैनल। लेकिन क्या हुआ, साइक्लिक GMP बनने के बाद
इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा साइक्लिक जीएम पे, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ेगा, जब बाहर क्या आकर बाइंड होगा, पेप्टाइड आकर बाइंड होगा, और साइक्लिक जीएम पे जाकर इसके अलम सॉरी क्या चैनल के लिगेंड बाइंडिंग साइट पर जाकर बाइंड होगा। अब लिगेंड बाइंड हुआ तो चैनल ओपन अप हो जाएगा, ओपन अप होने पर कैल्शियम आयन, बहुत सारे कैल्शियम आयन बाहर से आसपास के एरिया से, मीन्स ओशियन हो या पॉन्ड हो, आसपास के एरिया से कैल्शियम आयन बहुत जल्दी अंदर आ जाएंगे। तो स्पर्म के हेड में क्या बढ़ते जा रहा है, कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। स्पर्म जैसे 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 एक की तरफ जाएगा वैसे उसी उसके हेड में क्या बढ़ेगा, कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का नतीजा ही यह है, ये सब चीजें किसका नतीजा है, कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का नतीजा। तो इस प्रकार से स्पर्म कहाँ रीच हो चुका है, नाउ इट इज रीच्ड अप टू व्हाट, देखो ऐसा नहीं है कि एक अकेला स्पर्म रीच हो रहा है, अकेले के थोड़ी मैसेज गया था, बहुत सारे स्पर्म जो मिलियंस में है, ट्रिलियंस में है, बिलियंस में है, बहुत सारे स्पर्म इस केमिकल ग्रेडियंट का यूज करते हुए एग तक आ चुके हैं, बहुत सारे, और वो स्पीसी स्पेसिफिक ही होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बुलावा किसके लिए दिया गया था, अपने ही स्पीसीज के स्पर्म को बुलाया गया था आसपास से। इस प्रकार से बहुत सारे स्पर्म आकर जेली कोट के साथ इंटरेक्ट करने लगे, बस याद रखना है बहुत सारे स्पर्म यहाँ पर आने लगे। हम तो डिस्कशन एक ही क्या करेंगे आगे क्या होगा, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कीमोटैक्सिस। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटरेक्शन विथ जेली कोट। तो हम यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एग का, इट इज एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हम डिस्कस कर रहे थे एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर विट्रेलाइन एनवलप होता है, तो दिस इज व्हाट विट्रेलाइन एनवलप। ओके, ये है विट्रेलाइन एनवलप, और उसके बाद बाहर है जेली कोट। और हम डिस्कस कर रहे थे कि जेली कोट हेट्रो पॉलीसैकेराइड से बना हुआ है, विच काइंड ऑफ हेट्रो पॉलीसैकेराइड, सल्फेटेड हेट्रो पॉलीसैकेराइड, एंड आई ऑलरेडी सेड दैट सल्फेटेड हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स दे आर आल्सो स्पीसीज स्पेसिफिक। ओके, तो स्पर्म इधर से अब तक मूव करते हुए अल्टीमेटली बहुत सारे स्पर्म अब तक रीच हो चुके हैं जेली कोट के आसपास। दिस इज द स्पर्म हैविंग न्यूक्लियस एंड द एक्रोसोम इन इट, ये न्यूक्लियस है। इस प्रकार से आकर उसी स्पेसिस का स्पर्म उसी स्पेसिस के एक के साथ, यानी कि जेली कोट भी स्पेसिस स्पेसिफिक होता है, उस स्पेसिस के जेली कोट के रिसेप्टर उसी स्पेसिस के स्पर्म पर होंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि रिसेप्टर कहाँ है पता नहीं, लेकिन एक कंक्लूजन निकाला गया है, रिसेप्टर देमसेल्स दे आकर ऑन द एक्रोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म डू नॉट कैरी द रिसेप्टर फॉर द जेली कोट, लेकिन एक कैसे इंटरेक्शन होता है पता नहीं, तो देयर इज नो एनी रिसर्च, इस पर रिसर्च नहीं हुआ है कि यह इंटरेक्शन कैसे होता है। लेकिन कहा जाता है जेली कोट को रिकॉग्नाइज करने वाले रिसेप्टर कहाँ होते हैं, नॉट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, दे आर प्रेजेंट ऑन एक्रोसोम, एक्रोसोम दैट इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर रिसेप्टर है और इसके साथ इंटरेक्शन हो रही है, जेली कोट के साथ इंटरेक्शन का नतीजा होता है जो कि एक स्पेसिस स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। जेली कोट इंटरेक्शन लीड टू स्टार्ट ऑफ व्हाट, एक्रोसोमल रिएक्शन, जेली कोट इंटरेक्शन का नतीजा है एक्रोसोमल रिएक्शन। देखिए एक्रोसोमल रिएक्शन उसी स्पर्म में स्टार्ट होती है जो कि अपने ही स्पीसीज का होता है। ठीक है, यानी कि जो स्पर्म अपने ही स्पीसीज के जेली कोट के साथ इंटरेक्ट करेगा वही स्पर्म एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट करेगा। पहली बात, एक्रोसोमल रिएक्शन स्पर्म में हो रही है, और कब हो रही है, जब वो अपने ही स्पीसीज के एग के जेली कोट को रिकॉग्नाइज करता है। तो उसी प्रकार के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने किए,
जैसे हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अपने स्पीसीज के जेलिकोट को इंट्रैक्ट करने के बाद ही आप एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होती है, उस प्रकार के हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। यहाँ पर एक्रोसोमल रिएक्शन कितनी हुई वाई एक्सिस पर दिखाया गया है, और यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज के जेलिकोट के साथ की इंट्रैक्शन बताई गई है। देखिए ये कोई स्पीसीज एक्स है, अपने हमें नाम से कुछ लेना देना नहीं है, ये वाई है और जेड है। रेड कलर या जो भी रेड कलर है या ग्रीन कलर है या यहाँ पर वायलेट कलर है, ये कलर क्या दिखा रहा है, स्पेसिस दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए रेड कलर के स्पेसिस का स्पर्म रेड कलर के स्पेसिस के साथ ही इंटरेक्ट करे, जेलिकोट के साथ इंटरेक्ट करे, तो क्या हो रहा है, एक्रोसोमल रिएक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन बाकी एग के साथ इंटरेक्ट करे तो एक्रोसोमल रिएक्शन बिल्कुल कम हो रहा है या हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक्रोसोमल रिएक्शन तब तब स्टार्ट होती है जब अपने स्पीसीज के जेलिकोट के साथ इंटरेक्ट करें। सेम ग्रीन कलर, सॉरी ग्रीन कलर यानी कि ये सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड है, किसका है, लेकिन वाई स्पीसीज का है ना, तो वाई स्पीसीज का सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड को किसका स्पर्म जाकर इंटरेक्ट करेगा और एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट, वाई स्पीसीज का ही। बाकी स्पीसीज जैसे रेड और वायलेट कम दिखाए गए, ग्रीन का ही हो रहा है। मान लीजिए रैंडम होता तो एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट, तो सभी के ग्राफ बढ़ने चाहिए ना, सभी के बढ़ने चाहिए, ये बड़ा इसका मतलब ये स्पेसिस स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन क्या चीज है, व्हाट इज एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स, एक्रोसोमल रिएक्शन अकर इन द स्पर्म आफ्टर इंटरेक्शन विद द जेलिकोट एंड इट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स। फर्स्ट सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोमल मटेरियल, दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शन आकर इन टू स्टेप्स, फर्स्ट इज फ्यूजन ऑफ एक्रोसोम विथ स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस, एक्रोसोमल प्रोसेस फॉर्मेशन, एक्रोसोमल प्रोसेस फॉर्मेशन, फ्यूजन ऑफ एक्रोसोम विथ स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट स्टेप, फ्यूजन ऑफ एक्रोसोम विथ स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि काय के लिए है, काय के लिए है, सिक्रेशन के लिए। यह है एक्रोसोम, इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पड़े हुए, इवन इसके मेम्ब्रेन पर भी अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स रखे हुए जो कि लिगैंड रिसेप्टर या एंजाइम्स के तौर पर काम कर सकते हैं। अब तक एक्रोसोम इंटैक्ट फॉर्म में है, साइटोसोल में पड़ा हुआ है किसके, स्पर्म के। लेकिन क्या हो रहा है, इधर किसके साथ इंटरेक्शन हो रही है स्पर्म की, जेलिकोट के साथ। ये इंटरेक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, जेलिकोट और स्पर्म में इंटरेक्शन होने के बाद क्या हो रहा है, जेलिकोट एंड स्पर्म इंटरेक्शन लीड टू व्हाट, जेलिकोट स्पर्म इंटरेक्शन, तो कोई रिसेप्टर होगा जो जेलिकोट के साथ इंटरेक्ट करता होगा, ये कहाँ कर बात हो रही है, स्पर्म पर, और ये स्पर्म का रिसेप्टर है और किसके साथ इंटरेक्शन हो रही है, जेलिकोट के कार्बोहाइड्रेट के साथ, ये जेलिकोट के साथ इंटरेक्शन है। व्हाट हैपेंस आफ्टर द इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के बाद पहले जितने कैल्शियम आयन खुले थे अब और ज्यादा कैल्शियम आयन खुलने लगे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, पहले कुछ खुले होंगे, क्यों खुले थे, क्योंकि कोई पेप्टाइड आकर इंटरेक्ट कर रहा था, साइक्लिक जीएमपी बन रहा था, साइक्लिक जीएमपी डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल ओपन अप हो रहे थे, और ज़्यादा कैल्शियम चैनल ओपन अप होने लगे, जिसका मतलब अभी फिलहाल क्या हो रहा है, स्पर्म जेलिकोट के साथ इंटरेक्ट करने पर और ज़्यादा कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, तो देर इज इंक्रीज इन द कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। कैसे, कैसे कि यहाँ पर जो रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर इंटरेक्शन के बाद एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज सी को, देयर इज एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी, जेलिकोट के साथ इंटरेक्शन के बाद क्या होता है, स्पर्म में फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद की स्टोरी तो हमें पता है, फॉस्फोलाइपेज सी किसके पर एक्ट करेगा, PIP2 पर एक्ट करेगा, PIP2 IP3 बनाएगा, और IP3 क्या करेगा, दो प्रकार के चैनल खोल देगा, स्पर्म के प्लाज्मा ब्रेन पर कुछ IP3 डिपेंडेंट चैनल है वो भी खोल देगा, और मेनली
ईआर पर कुछ IP3 डिपेंडेंट चैनल है वो अभी खोल देगा। ठीक है, स्पिरेट और रिजेक्ट इंटरेक्ट करने पर फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसोसिएटेड चैनल ओपन अप हो रहे थे, बाहर से कैल्शियम अंदर आ रहे थे। अब अंदर जो रखे थे सार्कोप्लाज्म में, सॉरी साइटोप्लाज्म के SER में, तो वहां से भी कैल्शियम आयन बाहर आने लगे, तो ओवरऑल स्पर्म में और ज्यादा कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है। नेक्स्ट, साथ साथ यहां पर प्रोटॉन सोडियम एंटीपोर्टर खुल जाता है, प्रोटॉन सोडियम एंटीपोर्टर खुल जाता है, तो देर इज सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर गेट ओपन, तो बहुत सारे सोडियम अंदर आने लगे और प्रोटॉन बाहर जाने लगे। मीन्स ओवरऑल क्या होने लगा है, स्पर्म के साइटोसोल का pH इस तरफ जाने लगा है, अल्कलाइन। तो बेसिकली जेली कोट के साथ इंटरैक्ट होने पर कैल्शियम चैनल ओपन अप होते हैं। कौन से कैल्शियम चैनल? IP3 डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल। पहले केमियोटैक्सिस में किस प्रकार के चैनल? साइक्लिक GMP डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल। यहाँ पर IP3 डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल और एंटीपोर्टर कौन सा? सोडियम प्रोटॉन एंटीपोर्टर। इस वजह से हमें एक तो चीज पता है ना कि कैल्शियम आयन खुलने पर क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम आयन चैनल। कैल्शियम आयन चैनल खुलने पर कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। और इसके बाद हमें और एक चीज पता है कि कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एक चीज तो होती ही है, क्या? जो साइटोसोल में पड़े हुए वेसिकल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाकर फ्यूज होना स्टार्ट होते हैं। वन ऑफ द वेसिकल विच वॉज सस्पेंड इन द साइटोसोल अर्लियर, क्या था वो वेसिकल? एक्रोसोम। तो एक्रोसोम किसके साथ जाकर फ्यूज हो रहा है? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ? स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो एक्रोसोम में जो भी मटेरियल है, एक्रोसोम में जो मटेरियल है वो बाहर रिलीज होगा, कहाँ पर? जेली कोट पर। ठीक है, एक्रोसोम का जो मटेरियल है जेली कोट पर रिलीज किया गया है। और नेक्स्ट, न्यूक्लियस तो वैसे की वैसा है, सो देयर इज अ न्यूक्लियस। यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कॉल्ड एज फ्यूजन ऑफ एक्रोसोम विद द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्रोसोम का फ्यूजन स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ होने का पर्पज क्या है? वॉट? सिक्रेशन। सिक्रेशन से बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज हुए यहाँ पर, जो कि जेली कोट को डिग्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब अब क्या स्टार्ट हो चुका है? आगे जेली कोट को डिग्रेड करने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। साथ में कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर और एक चीज होती है, यहाँ पर स्पर्म के न्यूक्लियस और एक्रोसोम के बीच में बहुत सारे एक्टिन मोनोमर्स इकट्ठा करके रखे गए थे। क्या थे यहाँ पर दोनों के बीच में? एक्टिन के मोनोमर्स। देर आर मेनी एक्टिन मोनोमर्स, दे आर एक्यूमुलेटेड इन बिटवीन द स्पर्म न्यूक्लियस एंड द एक्रोसोम। अब तक मोनोमर्स थे, इसलिए एक्रोसोम जैसे था वैसे ही फॉर्म में था, लेकिन कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर और एक चीज हो जाती है सिक्रेशन के साथ साथ, और कौन सी प्रोसेस हो जाती है? एक्रोसोमल प्रोसेस फॉर्मेशन। व्हाट इज एक्रोसोमल प्रोसेस? एक्रोसोम का मेम्ब्रेन जो है आउटग्रोथ के तौर पर बाहर निकलने स्टार्ट होता है। कैसे? इसके नीचे क्या स्टार्ट हो रहा है? कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण एक प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है उस एरिया में, जिसका नाम है रो बी प्रोटीन। व्हाट इज द रोल ऑफ रो प्रोटीन, रैक प्रोटीन? नाम सुना है रो रैक प्रोटीन, क्या करते हैं वो? माइक्रोटूबुल, एक्टिन का पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करते हैं। और एक्टिन पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होने के कारण क्या हुआ, जो एक्रोसोम का मेम्ब्रेन पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हुआ था, जस्ट यहाँ पर इस प्रकार से बाहर निकलना स्टार्ट हो चुका है। ये क्यों हो रहा है? ये आउटग्रोथ क्यों आ रही है यहाँ पर? वाई दिस इज द आउटग्रोथ? दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? एक्टिन पॉलीमराइजेशन जस्ट बिलो द एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। इस आउटग्रोथ को ही हम एक्रोसोमल प्रोसेस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसोमल प्रोसेस। एक्रोसोमल प्रोसेस पर मीन्स एक्रोसोम के मेम्ब्रेन पर बहुत सारे प्रोटीन्स रखे हुए हैं इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के फॉर्म में। तो अब एक्रोसोमल प्रोसेस के साथ हम ड्रॉ करें स्पर्म को, तो अब तक ये चीज हो चुकी है। अब तक इस प्रकार की चीज हो चुकी है, एक्रोसोमल प्रोसेस इस प्रकार से निकला हुआ है बाहर, और जस्ट इसके पीछे ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। एक्रोसोमल प्रोसेस इज नथिंग बट आउटग्रोथ ऑफ एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। ये बनी कैसे? बाय एक्टिन पॉलीमराइजेशन। और हम कह रहे हैं
आगे आगे तो क्या होता जा रहा है, जेली कोट डिग्रेड होता जा रहा है, लेकिन एक्रोसोम के प्रोसेस पर, एक्रोसोम के आउटग्रोथ पर बहुत सारे प्रोटीन्स इस प्रकार से बाहर निकल रहे हैं। देर आर मेनी प्रोटीन्स विच आर इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ एक्रोसोमल प्रोटीन, सॉरी एक्रोसोमल प्रोसेस। वैसे तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटियाजोम्स होते हैं, कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लेकिन एक प्रोटीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें याद रखना है यहाँ पर, एक्रोसोमल प्रोसेस पर एक प्रोटीन जो 30.5 किलो डाल्टन का होता है, जिसका नाम है बाइंडिन, जो भी एक स्पेसी स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, बाइंडिन नाम का प्रोटीन कहाँ होता है, बाइंडिन प्रेजेंट ऑन, बाइंडिन प्रेजेंट ऑन एक्रोसोमल प्रोसेस, नॉट ऑन द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नहीं है ये एक्रोसोम का प्रोसेस है, एक्रोसोम का मेम्ब्रेन है, लेकिन बाइंडिन पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी दिख रहा है ना, क्यों दिख रहा है, एक्रोसोम प्रोसेस बनने के कारण। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इस प्रकार से, ये जो स्पर्म है जेली कोट डिग्रेड करता हुआ कहाँ चला जाएगा, अप टू द जेली कोट के थ्रू चैनल बनाते हुए कहाँ रीच हो जाएंगे, बहुत सारे प्रोटीन अकेला नहीं, सॉरी बहुत सारे स्पर्म्स अकेला नहीं, बहुत सारे स्पर्म कहाँ रीच हो जाएंगे, विटिलाइन एनवेलप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है फिर, द नेक्स्ट स्टेप, एक्रोसोमल रिएक्शन तो हो चुकी है, अब नेक्स्ट स्टेप इंटरैक्शन विद विटिलाइन एनवेलप। विटिलाइन एनवेलप के साथ कैसे इंटरैक्शन होती है की बात करें, ये एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमें इंटरेस्ट है विटिलाइन एनवेलप में, और विटिलाइन एनवेलप है क्या, ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर है, दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन लेयर विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। कुछ ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर बाहर पड़े हुए सीक्रेटेड फॉर्म में, लेकिन कुछ ग्लाइकोप्रोटीन इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट भी हैं, ये विटिलाइन एनवेलप है। और अब तक हम ये पढ़ रहे थे कुछ जगह पर, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर, बहुत सारी जगहों पर जेली कोट क्या हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है, और जेली कोट को डिग्रेड कर स्पर्म अपने एक्रोसोमल प्रोसेस के साथ विटिलाइन एनवेलप तक रीच हो चुका है। और हम कह रहे हैं कि विटिलाइन एनवेलप में वैसे तो बहुत सारे प्रोटीन है, लेकिन एक प्रोटीन जो इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो देयर इज वन प्रोटीन विच इज इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन विच इज नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट जगह जगह पर प्रेजेंट है, जंक्शंस के फॉर्म में, लिपिड राफ्ट्स के फॉर्म में। यह प्रोटीन का नाम EBR1, वैसे हर स्पेसिस का EBR1 अलग रहेगा, हर स्पेसिस का EBR1 अलग रहेगा, ट्रांगुलस सेंट्रस परपुरेटस का अलग रहेगा, अरेबिका पंक्चुलाटा का अलग रहेगा। तो इसका मतलब ये भी प्रोटीन कैसा है, स्पेसिस स्पेसिफिक है। व्हाट इज दिस EBR1? EBR1 होता कहाँ पर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग, कहाँ से एक्सटेंडेड है, विटिलाइन एनवेलप के बाहर आ रहा है एक्सटेंड होकर। EBR1 350 किलो डाल्टन का प्रोटीन है, बड़ा प्रोटीन है ये नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, NRTK है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन फॉर द फर्दर डिस्कशन। EBR1 NRTK है, यानी कि इसके साथ जब कभी लिगैंड बाइंड होगा, NRTK डिपेंडेंट पाथवेज स्टार्ट कर सकता है। NRTK डिपेंडेंट पाथवे कौन कौन, मैप काइनेज पाथ, PIP3 पाथ, IP3 पाथ, यस अनदर काइनेज पाथवे दैट इज जैकस्टैट पाथ, इस प्रकार के पाथवे स्टार्ट कर सकता है ना ये, कहाँ पर, इसके अंदर, एग के अंदर। अब तक तो सिर्फ चेंजेस कहाँ आ रहे थे, स्पर्म के अंदर, अब चेंज आने की बारी आई है एग के अंदर, ठीक है। तो EBR1 प्रोटीन पड़ा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और अब तक बहुत सारे स्पर्म, ऐसे तो बहुत सारे स्पर्म रीच हो चुके हैं, लेकिन हम इतने सारे स्पर्म यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते, बस एक स्पर्म को ड्रॉ कर हम समझने की कोशिश करें। और इसका भी कौन सा हिस्सा, एक्रोसोमल प्रोसेस का हिस्सा, सबसे पहले परपेंडिकुलरली जाकर किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, परपेंडिकुलरली, साइड बाय साइड नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे जाकर इंटरेक्ट कर रहा है डायरेक्टली। आगे हम मैमिलियन फर्टिलाइजेशन में डिस्कस करेंगे, स्पर्म और एग की इंटरेक्शन ऐसे नहीं होती है, ऐसे होती है, साइड बाय साइड होती है। यहाँ पर किस प्रकार की इंटरेक्शन है, परपेंडिकुलर इंटरेक्शन है, एग का मेम्ब्रेन
या विटिलाइन मेम्ब्रेन स्पर्म से परपेंडिकुलर इंट्रैक्शन कराता है। मैमल्स में ऐसी इंट्रैक्शन ना होकर ऐसी इंट्रैक्शन होती है, सबसाइडरी इंट्रैक्शन। स्पर्म का साइड बाय साइड साइड वाला लैटरल साइड वाला हिस्सा है, वो भी एक्रोसोम का प्रोसेस ही रहेगा। टिप ना इंट्रैक्ट कर इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कौन सा हिस्सा इंट्रैक्ट कर जाता है, इस साइड का हिस्सा इंट्रैक्ट कर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर टिप इंट्रैक्शन कर रहा है। और हमने कहा कि यहाँ पर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, बाइंडिंग प्रोटीन। बाइंडिंग प्रोटीन स्पेसी स्पेसिफिक प्रोटीन है, वह किसके साथ इंट्रैक्ट करता है एज ए लिगैंड, EBR1 के साथ। जिस स्पेसीज का बाइंडिंग है उसी स्पेसीज के EBR1 के साथ इंट्रैक्ट कर सकता है। ओके, बाइंडिंग इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग स्पेसीज स्पेसिफिक इंट्रैक्शन जो कि एक्रोसोम प्रोसेस पर प्रेजेंट है। तो आप बाइंडिंग की स्टोरी भी डिस्कस कर ले, बाइंडिंग है कहाँ पर एक्रोसोम प्रोसेस पर, इसका वेट कितना होता है 30.5 किलो डाल्टन, इसका काम क्या है। पहला तो काम एक काम तो है इंट्रैक्शन, स्पेसीज स्पेसिफिक इंट्रैक्शन कराना। किस किस का इंट्रैक्शन, स्पर्म और विटिलाइन एनवलप के ऊपर जो EBR1 है इनका इंटरेक्शन कराना। ठीक है, तो स्पेसी स्पेसिफिक इंटरेक्शन कराने के साथ साथ बाइंडिंग प्रोटीन में उसके एंड टर्मिनस पर हाइड्रोफोबिक स्ट्रेच होता है जो कि फ्यूजन कराता है एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इट इज अ फ्यूजोजेनिक प्रोटीन। व्हाट इज दिस, इट इज अ फ्यूजोजेनिक प्रोटीन। ये स्पेसी स्पेसिफिक इंट्रैक्शन के साथ साथ क्या कर रहा है, फ्यूजोजेनिक प्रोटीन भी है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे इस पाथवे को, बाइंडिंग और EBR1 का इंट्रैक्शन होने पर। अब तक तो किसके अंदर कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा था, स्पर्म के अंदर, और इसी का नतीजा यह एक्रोसोमल रिएक्शन से एक्रोसोमल प्रोसेस बन चुकी है। लेकिन अब क्या होगा, थोड़ा सा ओवरव्यू हम यहाँ पर डिस्कस कर ले। ये किसका मेम्ब्रेन है, ये एग मेम्ब्रेन है, एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर कौन सा रिसेप्टर ये जा चुका था, विटिलाइन एनवलप तक, ये EBR1 रिसेप्टर है। और हम कह रहे हैं कि EBR1 रिसेप्टर के साथ ये कौन इंटरेक्ट कर चुका है, बाइंडिंग इंटरेक्ट कर चुका है। बाइंडिंग किसका, तो एक्रोसोमल प्रोसेस का, स्पर्म का। ठीक है, तो बाइंडिंग EBR1 इंटरेक्शन से EBR1 इज व्हाट, इट इज अ NRTK। NRTK यानी कि इसके साइटोसोल में कोई काइनेज एसोसिएटेड होगा। जनरली यहाँ पर कौन सा काइनेज एसोसिएट होता है, SRC काइनेज। हम ये पाथवे डिस्कस कर चुके, नया नहीं है ये। SRC काइनेज गेट एक्टिवेट एंड एक्टिवेट फॉस्फोलाइपेसी गामा। कौन सा फॉस्फोलाइपेसी एक्टिवेट हो जाएगा, फॉस्फोलाइपेसी गामा। और इसके बाद वाली स्टोरी तो आपको पता है क्या होता है फॉस्फोलाइपेसी। एग के अंदर फॉस्फोलाइपेसी गामा एक्टिवेट होने पर ये एक्ट करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसोसिएटेड PIP2 पर। ये PIP2 है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलाइपेसी उस पर एक्ट करेगा तो क्या बनेगा PIP2 का, दो चीजें बनेंगी, एक मेम्ब्रेन बाउंड सेकेंडरी मैसेंजर जिसका नाम PAG और एक सिक्रेटरी सेकेंडरी मैसेंजर जिसका नाम IP3। इस प्रकार का पाथवे स्पर्म में भी हो रहा था ना कैल्शियम बढ़ाने के लिए, और ये एग में भी हो रहा है। ठीक है, अब IP3 क्या करेंगे, स्पर्म में क्या हो रहा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी IP3 डिपेंडेंट चैनल खोले जा रहे थे, और इंटरनल साइटोप्लाज्म में जो SER है उसके भी IP3 डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल खोले जा रहे थे। लेकिन एग में ऐसा नहीं होता है, एग में सिर्फ और सिर्फ IP3 डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल होते हैं कहां पर, SER पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चैनल होता नहीं है। तो IP3 जाएगा और कैल्शियम चैनल को खोल देगा। तो अब कैल्शियम चैनल खोलने के बाद कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन किसके अंदर बढ़ रहा है, साइटोसोल एग। कहां बढ़ना स्टार्ट होगा कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन, मेनली किस एरिया में, जहां पर फर्स्ट स्पर्म जाकर इंटरेक्ट करता है। बहुत सारे स्पर्म आगे आने वाले इंटरेक्शन करने ही वाले हैं ना, लेकिन फर्स्ट टाइम जहां इंटरेक्शन होगी, मान लीजिए इस एरिया में इंटरेक्शन हो रही है, तो पहले तो कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कहां बढ़ेगा, इस एरिया में बढ़ेगा। इधर इंटरेक्शन ना होकर और कहीं जगह पर इंटरेक्शन होती तो कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन उस जगह पर बढ़ना स्टार्ट होता, और ये कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना इस एरिया में स्टार्ट होकर, मान लीजिए पूरा एग है, बढ़ना स्टार्ट हुआ कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर। अब इसकी वेव स्प्रेड हो गई इसे पूरे के पूरे एग में, सबसे आखिरी में कहाँ जाएगी,
अपोजिट एंड पर जाएगी। देखिए बस चेंज इतना है, कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है एग के अंदर, और कहाँ बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, फॉर्म इंट्रैक्शन साइट पर, और कहाँ मूव हो रही है वेव, कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन अपोजिट एंड पर मूव हो रही है। अभी कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से आगे स्टोरी हम डिस्कस करेंगे, क्या होता है एग में, एग में क्या होता है, एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिनित, मैंने कल कहा था कॉर्टिकुलर ग्रैन्यूल्स होते हैं बहुत सारे, वेसिकल्स पड़े होते हैं, साथ में एक्टिन भी बहुत सारा जमा करके रखा जाता है। तो यहां पर अब एक्टिन पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा, कहां स्टार्ट हो रहा है एक्टिन पॉलीमराइजेशन, जैसे स्पर्म में हो रहा था एक्रोसोमल प्रोसेस बनाने के लिए, अब एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच एक्टिन पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हुआ और एग में इस प्रकार की आउटग्रोथ बनने लगी, इस प्रकार के ऐसा लग रहा है कि यह स्पर्म को एंगल्फ करना चाहता है। तो इस चीज को, जहां पर एक्टिन पॉलीमराइजेशन से आउटग्रोथ बन रही है, इस चीज को फर्टिलाइजेशन कोन कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन कोन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कोन बनने की प्रोसेस स्टार्ट हुई। पहला तो इफेक्ट क्या हो रहा है समझ में, पहला इफेक्ट बाइंडिंग ईबीआर वन इंटरेक्शन से पहला इफेक्ट क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन कोन बनना स्टार्ट हुआ, यानी कि इसकी तैयारी हो रही है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पहली प्रोसेस हो रही है। ये फ्यूजन प्रोसेस वन वे प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है, वन वे यानी कि अकेला ही चाह रहा है कि फ्यूज हो जाऊं, टू वे यानी कि दोनों चाह रहे हैं ये मेरे साथ फ्यूज हो जाए, टू वे प्रोसेस है। स्पर्म ने तो एक्रोसोमल प्रोसेस पर अपने बाइंडिंग प्रोटीन को लगा लिया है जो कि फ्यूजोजेनिक प्रोटीन है, और उधर से एग भी कोऑपरेट कर रहा है, ठीक है मेरे साथ फ्यूज हो जाओ, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन कौन बनाकर कब बनाकर, ठीक है। तो फ्यूजो सॉरी ईबीआर वन बाइंडिंग प्रोटीन की इंटरेक्शन क्या करती है, फ्यूजन कराती है। इसके साथ साथ हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी भी स्टार्ट करती है, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी इज स्टार्टेड बाय विच प्रोसेस, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी स्टार्ट होती है किस इंटरेक्शन के बाद, बाइंडिंग प्रोटीन ईबीआर वन इंटरेक्शन के बाद, और मेटाबॉलिक एक्टिवेशन भी होता है, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन हो रहा है इसका, एग का मेटाबॉलिक एक्टिवेशन भी हो जाता है, और इसी इंटरेक्शन के नतीजे के तौर पर क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, क्लीवेज स्टार्ट होता है। तो देखिए ये इंटरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग ईबीआर वन के इंटरेक्शन के कारण फ्यूजन होगा, बाइंडिंग ईबीआर वन के इंटरेक्शन के कारण ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होगी, बाइंडिंग ईबीआर वन इंटरेक्शन के कारण मेटाबॉलिक एक्टिवेशन होगा, और बाइंडिंग ईबीआर वन इंटरेक्शन के कारण ही क्लीवेज स्टार्ट होगा। तो ये इंटरेक्शन आखिरी तक आने वाली है, इसी इंटरेक्शन का नतीजा बाकी सभी चीज, ठीक है। तो हम बाइंडिंग प्रोटीन और ईबीआर वन प्रोटीन की बात कर रहे हैं, और हम मैंने कहा बाइंडिंग एंड ईबीआर वन दे आर शोइंग व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन, स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ठीक है। हम प्रोसेसेस की तरफ आएंगे, फ्यूजन ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक चीज याद रखें, बाइंडिंग एंड ईबीआर वन इंटरेक्शन इज स्पेसिफिक, यानी कि बाइंडिंग कहां होता है, स्पर्म की एक्रोसोमल प्रोसेस पर, और ईबीआर वन कहां होता है, एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन या विटिलाइन मेम्ब्रेन के बाहर होता है। तो देखिए बाइंडिंग को एग के साथ इंटरेक्ट करना है तो पहले क्या हटना पड़ेगा, जेली कोट हटना पड़ेगा। देखिए हमने बाइंडिंग ईबीआर वन की इंटरेक्शन स्पेसिफिक होती है इसको प्रूव करने के लिए आग्लूटिनेशन एक्सपेरिमेंट किया, आग्लूटिनेशन एक्सपेरिमेंट किसके और किसके बीच में किया जा रहा है, हमने क्या किया, एक्स स्पेसिस से बाइंडिंग लिया। अब एक्स स्पेसिस का बाइंडिंग किस स्पेसिस के, ईबीआर वन के साथ इंटरेक्ट करेगा, एक्स स्पेसिस के। तो हमने क्या किया, डी जेलीड मींस जिसका जेली कोट हमने हटा दिया है, उस प्रकार के एग लिए, कौन से स्पेसिस से, एक्स से लिए, वाई से लिए, जेड से लिए,
अब किसके एक एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, इस बाइंडिंग के साथ रखेंगे, एक और एक किस 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 स्पेसिस के एक और एक एक दूसरे के साथ आग्लूटेन छोड़ जाएंगे, एक्स स्पेसिस के ना। तो हमने बाइंडिन एक ट्यूब ली, दूसरी ट्यूब ली, तीसरी ट्यूब ली, और एक्स स्पेसिस के एक, वाई स्पेसिस के एक, जेड स्पेसिस, सभी में बाइंडिन किसका डाला, एक्स स्पेसिस का। और क्या ऐड सॉरी क्या ऑब्जर्व करने लगे, अग्लूटिनेशन ऑब्जर्व करने लगा। अब अग्लूटिनेशन उन्हीं स्पेसिस सॉरी उसी एग्स का होगा, अग्लूटिनेशन यानी कि क्लंप बनाना, एग और एग एक दूसरे के साथ एडहेयर करना, तब जाकर अग्लूटिनेशन बनेगा। अग्लूटिनेशन किस ट्यूब में दिखाई देगा, एक्स में। तो हमने देखा यहाँ पर ही अग्लूटिनेशन हो रहा है, यहाँ पर नो अग्लूटिनेशन, नो अग्लूटिनेशन, इसका मतलब एक्स बाइंडिंग, एक्स स्पेसिस का बाइंडिंग एक्स स्पीसीज के एग को ही एक दूसरे के साथ क्या कर कर रख रहा है, इंट्रैक्ट करवा रहा है। इसका कारण क्या है, रीजन क्या है इसका, क्योंकि वो स्पेसिस स्पेसिफिक है। अब हम वाई का डाल देते तो कौन सी ट्यूब में अग्लूटेशन दिखता है, वाई के। तो ये रिजल्ट यहाँ पर बताए गए, यहाँ पर हमने ये रिजल्ट बताया, जैसे कि स्ट्रॉन्गुलर सेंट्रस पर्पोरेटस का बाइंडिंग स्ट्रॉन्गुलर सेंट्रस डी जेलिड एग के साथ डाल दे तो क्या हो जाता है, अग्लूटेशन हो जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्गुलर सेंट्रस सॉरी फ्रांसियंस फ्रांसिकेनस ओके इसका बाइंडिंग हम स्ट्रॉन्गुलर सेंट्रस पर्पोरेटस के एक के साथ रख दे तो क्या हो रहा है, नो अग्लूटिनेशन, मीन्स बाइंडिंग इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ना एक को एक दूसरे के साथ एडहेयर करने में। यहाँ पर भी ये एक्सपेरिमेंट है, अब एक किसका है, स्ट्रॉन्गुलर सेंट्रस फ्रांसिकेनस, इसका एग किसका बाइंडिंग, स्ट्रॉन्गुलेसेंट्रस पर्पोरेटस का बाइंडिंग, नो अग्लूटिनेशन, और किसके साथ किसका बाइंडिंग, यहाँ पर अग्लूटिनेशन है, स्ट्रॉन्गुलेसेंट्रस फ्रांसियानस और स्ट्रॉन्गुलेसेंट्रस फ्रांसियानस का एग और बाइंडिंग उसी का होगा तो अग्लूटिनेशन। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव कर रहा है, बेसिकली बाइंडिंग एंड EBR1 दे आर स्पेसिस स्पेसिस, बस इतना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन इज द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन। देखिए अब तक बाइंडिन EBR1 इंटरेक्शन हो चुकी है और विटेलाइन एनवलप डिग्रेड होने लगा है, क्योंकि मैंने कहा कि एक्रोसोमल प्रोसेस पर सिर्फ बाइंडिन थोड़ी है, एक्रोसोमल प्रोसेस पर बहुत सारे क्या बैठे हुए हैं, एंजाइम्स भी है ना, इसमें एक तो एंजाइम है जिसका नाम प्रोटियाजोम कॉम्प्लेक्स। तो प्रोटियाजोम प्रोटियाज कैरी करता है ना, और यूटेराइन एनवेलप में है क्या चीज, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, तो वो डिग्रेड होते जाएंगे। इसका मतलब अब तक स्पर्म कहाँ आ चुका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब एग तक आ चुका है यूटेराइन एनवेलप को डिग्रेड करकर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूजन, नेक्स्ट स्टेप इज द फ्यूजन। फ्यूजन इज द टू वे प्रोसेस, फ्यूजन इज द टू वे प्रोसेस, और किसी भी सेल को दूसरे सेल के साथ फ्यूज करना है। हमें पता है हर सेल पर, सेल के बाहर हर सेल पर, ये स्पर्म और एग की बात नहीं है, कोई भी सेल उठाकर ले ले जो नेचुरली अकरिंग सेल है, हर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इंटरनल साइड में निगेटिव चार्ज होता है। दो सेल अपने आप तो फ्यूज नहीं हो सकती, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इनको जबरदस्ती एक दूसरे के पास पास लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कह रहे थे, कहीं तो मैंने बताया था आपको, सेल बायोलॉजी में बताया था जब हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे थे, दो सेल फ्यूज करने हैं तो कोई इंटरमीडिएट चाहिए जो फ्यूजोजेनिक होता है। फ्यूजोजेनिक यानी कि जो एक सेल का मेम्ब्रेन दूसरे सेल के मेम्ब्रेन के पास लाकर दे दे, ऐसी चीज़ को हम फ्यूजोजेनिक मटेरियल कहते हैं। फ्यूजोजेनिक मटेरियल में जनरली प्रोटीन आ सकते हैं। तो यहाँ पर भले ये टू वे प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर फ्यूजोजेनिक प्रोटीन का काम कौन कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म को फ्यूज करने के लिए बाइंडिंग नाम का प्रोटीन काम कर रहा है। तो अब तक की स्टोरी में ऐसा है, ये फर्टिलाइजेशन कब बन चुका है, जो किसके कारण बना, किसके कारण बना, एक्टिन पॉलीमराइजेशन का। यह है एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अब तक हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, इधर स्पर्म आ चुका है, और सिर्फ स्पर्म नहीं है, परपेंडिकुलरली के बाहर कोई चीज़ आउटग्रोथ के तौर पर निकली हुई है। व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट,
इट इज़ अ एक्रोसोमल प्रोसेस। और अब तक यही हम पढ़ रहे थे कि एक्रोसोमल प्रोसेस पर जो बाइंडिंग प्रोटीन है इसके साथ ये इंटरेक्ट करने वाला रिसेप्टर कौन सा, EBR1। और ये नतीजा उन्हीं का है, इंटरेक्शन का ही नतीजा है, एक्रोसोमल प्रोसेस के आसपास एनवलप, सॉरी फर्टिलाइजेशन कब बनते जा रहा है, ऐसा लग रहा है एग इस स्पर्म को पूरी तरह से क्या करना चाहता है, इंगल्फ करना चाहता है, ठीक है। इससे ये प्रूव हो रहा है इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर भी चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पर भी चार्ज पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर भी चार्ज पॉजिटिव और यहाँ पर। अब ये पॉजिटिव चार्ज जब तक रहेगा दोनों के मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होंगे, करना है तो ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। और मैंने पहले भी बताया था फ्यूजन के लिए, कोई भी दो सेल के फ्यूजन के लिए फ्यूजोजेनिक मटेरियल चाहिए, और यहाँ पर फ्यूजोजेनिक प्रोटीन का काम कर रहा है बाइंडिंग प्रोटीन। बाइंडिंग प्रोटीन सिर्फ EBR1 के साथ इंटरेक्ट करने का काम नहीं करेगा, कुछ बाइंडिंग प्रोटीन अपने पास हाइड्रोफोबिक स्ट्रेच रखते हैं एन टर्मिनस पर, ये बाइंडिंग प्रोटीन है, अपने हाइड्रोफोबिक स्ट्रेच को एग के मेम्ब्रेन में इस प्रकार से इंसर्ट करेगा, कौन, बाइंडिंग प्रोटीन, और दो मेम्ब्रेन को एक दूसरे के पास पास खींचना स्टार्ट करेगा। सो जबरदस्ती दो मेम्ब्रेन को एक दूसरे के पास खींचा, पहले तो बाइंडिंग प्रोटीन ने फ्यूजोजेनिक प्रोटीन के तौर पर काम किया, और अब क्या हो चुका है, हम ड्रॉ करें इसको, तो अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर रहेगा तो इस प्रकार का रहेगा। इसका मतलब अब तक ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, किसके साथ फ्यूजन हो चुका है, तो देयर इज अ फ्यूजन विद द एक्रोसोमल प्रोसेस। क्या फ्यूज हो रहा है स्पर्म का, साइड बाय साइड लैटरल पार्ट फ्यूज हो रहा है या टिप, टिप फ्यूज हो रहा है, तो इस प्रकार से ये फ्यूज हो चुका है। और ये फ्यूजन इसका नतीजा है, दोनों का नतीजा, एग ने भी कुछ कोऑपरेशन किया और स्पर्म ने भी कुछ कोऑपरेशन, फ्यूजन के बाद स्पर्म के पास जितनी भी चीजें हैं उसका मेम्ब्रेन छोड़कर, उसका मेम्ब्रेन तो बाहर रहेगा ना, इस प्रकार से ये मेम्ब्रेन रहा स्पर्म का, ये मेम्ब्रेन नहीं है ना, मेम्ब्रेन छोड़कर स्पर्म के अंदर है क्या क्या, क्या क्या चीजें हैं, टेल है, मिडपीस है, मिडपीस में माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स है, न्यूक्लियस है, पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, तो स्पर्म के सभी चीजें, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल की पैर, और पूरा का पूरा ये एक्सोनियम, एक्सोनियम यानी कि जो फ्लैजेला का टेल जो है ना, वो पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा, तो पूरा का पूरा स्पर्म एंगल्फ किया जा रहा है, एक्सेप्ट क्या चीज़ है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बन चुकी है एग के, स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाकी स्पर्म के पास जो भी था वो सब चीज़ें एग के न्यूक्लियस में आ चुकी है। तो नाउ दिस इज द एग, सॉरी एग के साइटोसोल में आ चुके हैं, इट इज द एग न्यूक्लियस, क्या क्या चीज़ें आई, सेंट्रियोल, टेल, और टेल के साथ साथ मिडपीस, मीन्स मिडपीस में क्या थे, माइटोकॉन्ड्रिया थे, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो बेसिकली स्पर्म की तरफ से सभी चीज़ें देने की कोशिश की जा रही है लेकिन एक्सेप्ट कोई करेगा नहीं, तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें पड़ी है एग के अंदर, और इन्होंने देखा माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह से डिग्रेड करने लगे, स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया डिग्रेड होने लगे, स्पर्म की टेल डिग्रेड हुई, स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस और सेंट्रियोल बचा जो कि नेक्स्ट जनरेशन को जाने वाला है। तो बेसिकली फ्यूजन के बाद स्पर्म क्या देगा, स्पर्म क्या देगा, सिर्फ न्यूक्लियस और सेंट्रियोल देगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर जो याद रखने लायक है, यहाँ पर जो और एक चीज़ याद रखने लायक है, फ्यूजन किसी भी एग के साथ तब तक हो सकता है जब इंटरनल साइड का मेम्ब्रेन पोटेंशियल निगेटिव हो, द बेसिक प्रिंसिपल, स्पर्म उसी एग के साथ फ्यूज हो सकता है जिसका इंटरनल पोटेंशियल निगेटिव हो और बाहर का पोटेंशियल क्या हो, तो अपोजिट कर दिया जाए तो फ्यूजन नहीं हो सकता, फर्स्ट भी स्पर्म रहा तो भी नहीं फ्यूज होगा। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है, इंटरनल साइड निगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मस्ट फॉर फ्यूजन, कोई भी चीज इस पोटेंशियल को डिस्टर्ब कर दे, यानी कि अंदर पॉजिटिव लाए बाहर निगेटिव लाए, तो फ्यूजन रुक जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसी कोई भी चीज किसी भी कारण, अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाए
और बाहर नेगेटिव चार्ज आ जाए, मीन्स ऑपोजिट हो जाए, पहले बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, अब ये हो जाए, तो पहला स्पर्म रहे या दूसरे आने वाले स्पर्म रहे, तो फ्यूजन बंद हो जाता है, फ्यूजन नहीं हो पाता, देर इज नो फ्यूजन फर्दर। अब पहला वाला स्पर्म ऑलरेडी फ्यूज कर गया होगा, उसके बाद ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल बदलता होगा, तो आने वाले स्पर्म या क्या नहीं हो सकते, फ्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसको यूज किया जा सकता है एज अ वे ऑफ ब्लॉकिंग द पॉलीस्पर्मी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बदल कर, क्योंकि हम कह रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल यहां पर पाई जा रही है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल बदलने पर फ्यूजन रुकता है। कब स्टार्ट होना चाहिए? पहला स्पर्म अपना पूरा फ्यूजन करने के बाद तुरंत स्टार्ट होना चाहिए, ताकि आने वाले स्पर्म के साथ फ्यूज ना हो, ठीक है। तो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्म नेक्स्ट स्टेप है, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्म में अब क्या हो चुका है, यू कैन इमेजिन द मटेरियल ऑफ द स्पर्म दैट इज न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, टेल, माइटोकॉन्ड्रिया, एवरीथिंग एक्सेप्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एंटर्ड इनटू द साइटोसोल ऑफ द एग। और बहुत सारी चीजें तो डिग्रेड होने वाली, आने वाले समय में सिर्फ न्यूक्लियस और सेंट्रियोल बचेंगे, बाकी सभी चीजें डिग्रेड हो जाएंगी। ये हो चुका है। अब एक स्पर्म फ्यूज होने के बाद एक सेंट्रियोल की पेयर और एक न्यूक्लियस कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। मान लीजिए स्ट्रॉन्गलस इंट्रस पर्पुरेटस में 18 क्रोमोजोम होते हैं, हैप्लॉइड सेट में, हैप्लॉइड सेट में कितने क्रोमोजोम? 18 क्रोमोजोम। अब एग के 18 और स्पर्म के 18 मिलकर कितने बनेंगे? 36 बन जाएंगे, जो कि आगे आने वाले समय में प्रॉपरली हर सेल में 36 क्रोमोजोम एंटर होते रहेंगे और प्रॉपर सेल डिवीजन होता रहेगा। ये तो टू सेट्स बने ना, ये कंडीशन क्या आएगी 36 यानी 2n कंडीशन, ये कब आता है? ये कब आएगी? जब एक स्पर्म एक एग के साथ क्या हो जाए? फ्यूज हो जाए। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट व्हाई देयर इज नीड ऑफ अ ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। वैसे पॉलीस्पर्मी का मतलब, उसको ब्लॉक करने का मतलब अवॉइडिंग द फ्यूजन ऑफ मोर देन वन स्पर्म, अवॉइडिंग द फ्यूजन ऑफ मोर देन वन स्पर्म विद द सिंगल एग। एक स्पर्म फ्यूज हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक से ज्यादा फ्यूज नहीं होने चाहिए, इस प्रोसेस को ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी कहा जाता है। व्हाई देयर इज नीड ऑफ अ ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक करने की क्या जरूरत है? मान लीजिए ये एग है, एग के अंदर पहले से कोई एक हैप्लॉइड एग का न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, इधर से एक स्पर्म ने न्यूक्लियस कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ये दोनों बाद में फ्यूज होकर क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड जायगोट बना देंगे, जो कि नॉर्मल जायगोट रहेगा। नॉर्मल एग के पास अपना अपना क्या है? सेंट्रियोल, लेकिन इसका एग का सेंट्रियोल आगे काम नहीं करने वाला है, डिग्रेड होने वाला है। स्पर्म ने अपना क्या कंट्रीब्यूट किया? एक सेंट्रियोल और एक न्यूक्लियस, जो कि एक्चुअल मेटा सॉरी एक्चुअल माइक्रोट्यूबुल असेंबली करेगा, सेल डिवीजन करेगा। इसका रेप्लिकेशन होकर दो पेयर ऑफ सेंट्रियोल बन जाएंगे, सेंट्रोजोम्स अपोजिट साइड से माइक्रोट्यूबुल सेल बनाते स्टार्ट होंगे। अब नॉर्मल केस में क्या होता है? ये न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, और कौन सा न्यूक्लियस बनेगा? 2n। ये सेंट्रियोल तो हट जाएगा, एक ही सेंट्रियोल रहेगा, इसका रेप्लिकेशन होकर मान लीजिए एक सेंट्रियोल इस साइड में आया, सेंट्रोसोम सेपरेशन होता है सेल साइकिल के दौरान, इधर से स्पिंडल बनते रहेंगे, इधर से स्पिंडल बनते रहेंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने पर क्रोमोसोम्स, या जिसको हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, वह इस प्रकार से अटैच होते रहेंगे स्पिंडल के साथ, और प्रॉपर सेपरेशन होगा। बराबर, प्रॉपर सेपरेशन के लिए सिर्फ स्पिंडल कितने साइड से बनने चाहिए? दो साइड से, अपोजिट साइड से बनने। मान लीजिए ऐसा ना होकर दो स्पर्म इसके साथ फ्यूज कर जाते तो एक एक के साथ क्या हो जाता? जस्ट इमेजिन दो स्पर्म फ्यूज हो जाते तो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म से आ जाते और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक का रहता, तो बेसिकली कंडीशन क्या आ जाती? 3n कंडीशन आ जाती। पहला प्रॉब्लम तो ये है, प्लॉइडी बदल जाती है, और प्लॉइडी बदलने पर एनिमल जनरली टॉलरेट नहीं करते हैं, उसकी डेथ हो जाती है प्लॉइडी बदलने, आगे जायगोट डेवलप नहीं हो पाता, डेवलप भी हो जाता तो एबनॉर्मल ऑर्गेनिज्म बनाता प्लॉइडी बदलने लायक, सॉरी प्लॉइडी बदलने के बाद एबनॉर्मल ऑर्गेनिज्म बदल जाता, तो बन जाता। नेक्स्ट थिंग, दो न्यूक्लियस आएंगे तो कितने सेंट्रोसोम्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे? टू सेंट्रोसोम। अब किसके न्यूक्लियस? स्पर्म के न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली सेंट्रियोल देने वाले, उनको तो जिंदा रखना है, उनको डिग्रेड करना नहीं है। एक सेंट्रोसोम इस प्रकार से खड़ा हुआ है, इससे एक रेप्लिका बनकर इस प्रकार से, इन्होंने इस प्रकार का वर्टिकल प्रकार का ओरिएंटेशन में माइक्रोट्यूबुल स्पिंडल बना लिया। दूसरा जो सेंट्रोसोम आया था दूसरे स्पर्म से, वह इनके अपोजिट खड़ा हो रहा है इस पर, और उसका एक कॉपी इधर आ रहा है। इसने किस प्रकार के स्पिंडल बना लिए? इस प्रकार से। अब क्रोमोसोम जाए तो किस तरफ जाए?
रैंडम सेपरेशन होना स्टार्ट होगा। अब आने वाले समय में एक सेल डिवीजन के बाद, एक सेल डिवीजन के बाद कितने सेल्स बनेंगे? वैसे तो कितने सेल बनने चाहिए नॉर्मल एक सेल डिवीजन? दो सेल्स। यहाँ पर बनेंगे कितने? चार बनेंगे। चार कैसे बनेंगे? इस प्रकार से, चारों के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे क्या? नहीं आएंगे। किसी के पास 18 चले गए, किसी के पास 36 चले गए, किसी के पास 54 चले गए, किसी के पास 9 ही आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो रहा है, प्लॉयडी बदल रही है। अब इस प्रकार की सेल्स आने वाले समय में जी नहीं पाएंगी, इनकी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब फॉर्म एक से ज़्यादा फ्यूज हो जाए तो इम्प्रॉपर या तो डेवलपमेंट होगी या तो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगी। ये तो वेस्टेज है ना, ये तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ टाइम है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। बिकॉज मल्टीपल स्पर्म फ्यूजन इज डिजास्ट्रस, इट इज हार्मफुल, इट विल लीड टू द डेथ ऑफ जायगोट, इट विल नॉट डेवलप द प्रॉपर ऑर्गेनिज्म। इसलिए क्या होना नहीं चाहिए? एक से ज़्यादा स्पर्म फ्यूज नहीं होने चाहिए। और इस प्रोसेस को जो ऐसा होने नहीं देती है, इसको हम कहते हैं ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। बहुत सारे एनिमल्स में ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी के बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। एक से ज़्यादा स्पर्म नहीं आना चाहिए, इसलिए बहुत सारे एनिमल्स में अलग अलग तरीके उन्होंने इवॉल्व कर चुके हैं। लेकिन सी आर्चिन में दो तरीके हैं। एक है जिसको हम फास्ट ब्लॉक कहते हैं, दिस इज द वन फास्ट ब्लॉक, और दूसरा है स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक सभी ऑर्गेनिज्म में होता है ऐसा नहीं है, जैसे सी आर्चिन में है, एम्फीबियंस में है, लेकिन मैमल्स में नहीं होता है फास्ट ब्लॉक। लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में स्लो ब्लॉक पाया जाता है। फास्ट ब्लॉक जो कुछ सेकेंड्स के अंदर बन जाता है, स्लो ब्लॉक इसको बनने के लिए एक मिनट दो मिनट के आसपास टाइम लगता है। इसका मतलब फास्ट ब्लॉक एक स्पर्म फ्यूज हो जाए तुरंत बाकी स्पर्म के फ्यूजन को रोकता है, लेकिन उस दौरान कौन सा ब्लॉक बनना स्टार्ट हो जाता है? स्लो ब्लॉक, जो कि परमानेंट है। फास्ट ब्लॉक ट्रांजिएंट है, ये कह रहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए रोक कर रखूंगा स्पर्म के फ्यूजन को, तब तक आप बन जाना। एक बार स्लो ब्लॉक बन जाए तो फास्ट ब्लॉक पूरी तरह से हट जाता है। तो अब आगे चलकर ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी कौन करेगा? स्लो ब्लॉक। तो वी हैव टू डिस्कस बोथ ऑफ दिस ब्लॉक्स। दोनों का पर्पज एक ही है, क्या? मल्टीपल स्पर्म्स के फ्यूजन को अवॉइड करना। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। वॉट इट इज वन ऑफ द वे ऑफ अवॉइडिंग द पॉलीस्पर्मी। ऐसा नहीं है एक ही तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, ये एक वे है। इट इज प्रेजेंट इन सी आर्चिन, ये सी आर्चिन में है। मेनी अदर एनिमल्स, इवन इट आकर इन द एम्फीबियंस, ये एम्फीबियंस में भी है, लेकिन ये मैमल्स में नहीं है, नॉट इन मैमल्स, मैमल्स में होता नहीं है फास्ट ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक एज पर इट्स नेम स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर 1 to 3 seconds, एक से लेकर 3 सेकेंड के अंदर स्टार्ट होता है। मीन्स इसका इफेक्ट सिर्फ एक से लेकर 3 सेकेंड के अंदर दिखता है। कब? आफ्टर 1 to 3 seconds ऑफ फ्यूजन ऑफ फर्स्ट स्पर्म। पहला स्पर्म फ्यूज हो जाए उसके जस्ट 1 सेकेंड के बाद ये फास्ट ब्लॉक स्टार्ट होता है। फास्ट ब्लॉक ट्रांजिएंट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट तक बाकी स्पर्म को फ्यूज होने से रोक सकता है। कितने टाइम तक? 1 मिनट तक। उसके बाद फास्ट ब्लॉक खत्म हो जाएगा। दिस इज बिकॉज फास्ट ब्लॉक इज बिकॉज ऑफ चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये किसके कारण है? चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के कारण है। इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल बदलने के कारण होता है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल बदल जाए तो फ्यूजन नहीं होता। तो ये क्या कर रहा है? थोड़ी देर के लिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल बदलकर फ्यूजन होने से अवॉइड कर रहा है बाकी स्पर्म, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ट्रांजिएंट है। ये जब तक काम करता है ना, उसके दौरान कौन सा ब्लॉक बन जाता है जो कि परमानेंट होता है? स्लो ब्लॉक। तो फास्ट ब्लॉक कैसे काम करता है? फास्ट ब्लॉक वर्क थ्रू द चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये कैसे, कब स्टार्ट होता है, कहाँ हो रहा है? ये एग के मेम्ब्रेन में। नॉर्मली एग जब तक पहला स्पर्म फ्यूज होना हुआ नहीं है, तब तक अंदर इंटरनल साइड में
इस प्रकार का पोटेंशियल कैरी करता है, निगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ठीक है। और जब तक निगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तब तक कोई भी स्पर्म इसके साथ फ्यूज करता है। तो हम तो कह रहे हैं पहला स्पर्म फ्यूज हो चुका है, दिस इज द फ्यूजन ऑफ फर्स्ट स्पर्म, क्योंकि ये एग का न्यूक्लियस है और स्पर्म का न्यूक्लियस है, उसका एक सेंट्रियोल का पेयर भी आ चुका है। पहले स्पर्म के फ्यूजन के दौरान इसकी इंटरेक्शन हो रही थी, बाइंड इन EBR1 इंटरेक्शन हो रही, उसी इंटरेक्शन का एक नतीजा है, उसी इंटरेक्शन का एक नतीजा क्या होता है, वह इंटरेक्शन होने पर एग के अंदर EBR1 बाइंड इन इंटरेक्शन लीड टू इंक्रीज इन वॉट, कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द एग। एग के अंदर कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर पहली बात कि एग के प्लाज्मा ब्रेन पर कुछ लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, वह खुल जाते हैं। एक्चुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैल्शियम ओपन अप व्हाट, लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स। लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे सोडियम अंदर आ जाएंगे। और हम सेल बायोलॉजी में पढ़ रहे थे, जब कभी सोडियम चैनल ओपन अप होंगे और सोडियम अंदर आने लगेंगे क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। और इतना डीपोलराइजेशन हो जाता है कि विद इन अ सेकेंड ये पूरा का पूरा जो मेम्ब्रेन है, जिस साइड से स्पर्म आने लगे हैं उस साइड में पूरा का पूरा मेम्ब्रेन प्लस 20 मिली वोल्ट का पोटेंशियल वाला बन जाता है, प्लस 20 वोल्ट मिली वोल्ट। और बाहर कौन सा पोटेंशियल आ जाएगा, माइनस 20 मिली वोल्ट। अब तक अलग था ना, अब तक अंदर माइनस 70 था और बाहर प्लस 70 था, प्लस 70 था, लेकिन अब एक स्पर्म फ्यूज होने के बाद अंदर पोटेंशियल प्लस 20 और बाहर पोटेंशियल माइनस 20। और हम कह रहे हैं इस प्रकार का चेंज आ जाए, अंदर कोई भी पॉजिटिव ला रहा है बाहर निगेटिव ला रहा है, फर्दर बहुत सारे स्पर्म आकर एक्रोसोमल रिएक्शन कर एक्रोसोमल प्रोसेस के थ्रू एग के मेम्ब्रेन के साथ इंटरैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं हो पा रहा, फर्दर फ्यूजन कैन नॉट अकर। इवन दो मेनी स्पर्म्स दे आर ट्राइंग टू इंटरैक्ट विद द, दे आर ट्राइंग टू फ्यूज विद द एग, क्योंकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल बदलने पर थोड़ी देर के लिए तो भी एटलीस्ट फ्यूजन को रोका जा सकता है, लेकिन ये कब तक रोक कर रखेगा, जब तक अंदर पोटेंशियल क्या है, प्लस है। ये पोटेंशियल परमानेंटली प्लस थोड़ी रहने वाला है, थोड़ी देर बाद कुछ पंप्स काम करेंगे, सोडियम को बाहर भेजते रहेंगे, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा, सोडियम को बाहर भेजेंगे तो वापस क्या पोटेंशियल आ सकता है, निगेटिव पोटेंशियल आ सकता है। निगेटिव पोटेंशियल आने पर वापस दूसरा स्पर्म फ्यूज हो सकता है, इसलिए इसका पोटेंशियल कम होने से पहले क्या करना है, स्लो ब्लॉक प्रिपेयर करना है। मान लीजिए हम ऐसा कुछ करें, पहला स्पर्म फ्यूज होने के बाद भी हम ये पोटेंशियल पॉजिटिव न बनने दे या निगेटिव मेंटेन रखे तो क्या होगा, किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम पॉजिटिव पोटेंशियल बनने को रोक दे तो क्या होगा, पॉलीस्पर्मी हो जाएगी ना। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया कि अंदर वाला पोटेंशियल पॉजिटिव रखे किसी भी वे से, कैसे कैसे किया जा सकता है, अंदर वाला पोटेंशियल पॉजिटिव डायरेक्टली सोडियम आयन इंजेक्ट कर दिया अंदर, ये हो सकता है। दूसरा चैनल को ओपन अप कर दे, ओपन ही रखें। तीसरा और, लेकिन ये करने के, इंजेक्ट करना, चैनल को ओपन करना, ये तरीका थोड़ा सा टेडियस है ना। हम किसी भी सेल को डीपोलराइज कैसे कर रहे थे, सेल वाले में हमने पढ़ा था, बाहर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे, बाहर बढ़ाएंगे तो अंदर ज्यादा निगेटिव हो जाएगा, बाहर बढ़ाएंगे तो अंदर ज्यादा निगेटिव हो जाएगा, बराबर। तो सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बाहर हम इंक्रीज कर दें, तो बाहर पॉजिटिव ज्यादा हो रहे, इसका मतलब अंदर निगेटिव ज्यादा रहेगा ना। ये सबसे बढ़िया तरीका, सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखो आसपास, क्या हो जाएगा, मोर निगेटिव पोटेंशियल बन जाएगा, पॉलीस्पर्मी हो जाएगी। तो देखा गया एग को हाई सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कंटेनिंग सोल्यूशन में डाल दें फर्टिलाइजेशन के बाद तो पॉलीस्पर्मी हो जाता, और लो सोडियम आयन, बाहर के सोडियम आयन हटा दे, बाहर के पॉजिटिव हटा दे तो क्या हो जाएगा,
बाहर पॉजिटिव ज्यादा थे इसलिए अंदर निगेटिव ज्यादा था ना। बाहर से पॉजिटिव हटा दे तो क्या चार्ज आएगा? जीरो चार्ज आएगा, डिपोलराइजेशन हो जाएगा। तो क्या होगा फिर? हम एग को लो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन में डाल दे तो पहला भी स्पर्म फ्यूज नहीं हो पाएगा। तो देर इज नो फ्यूजन, देर इज नो फर्टिलाइजेशन। तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर आखिरी में कंक्लूजन निकाला गया, आखिरी में एक बस एक कंक्लूजन निकल रहा है। एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो, फाइनल कंक्लूजन इज दैट इफ इंटरनल पोटेंशियल बिकम और रिमेन निगेटिव इवन आफ्टर फर्स्ट फ्यूजन पॉलीस्पर्मी में आकर, एंड इफ इंटरनल पोटेंशियल बिकम पॉजिटिव आफ्टर फर्स्ट फ्यूजन नो पॉलीस्पर्मी आकर, ठीक है, देर इज नो पॉलीस्पर्मी, ठीक है। सो इस प्रकार से फास्ट ब्लॉक मैमल्स में नहीं होता है लेकिन एम्फीबियन सीआरचिन में हो सकता है। चैनल को ब्लॉक कर दे तो पॉलीस्पर्मी हो जाएगी। तो कोई भी चीज, बस एक फाइनल आउटपुट याद रखना, अंदर वाला पोटेंशियल जो निगेटिव मेंटेन रखेगा वो पॉलीस्पर्मी करवाएगा, अंदर वाला पोटेंशियल जो पॉजिटिव करेगा इवन पहले फ्यूजन के पहले, पहला फर्टिलाइजेशन होने से पहले भी ऐसा हो जाए तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। इन सभी एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हो रहा है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग, क्लियर है? तो यह है फास्ट ब्लॉक। लेकिन अभी डायग्राम वही बता रहा है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये कैसे चेंज हो रहा है वही बता रहा है। पहले क्या था? निगेटिव था, बराबर। विद इन 30 सेकेंड्स स्टार्ट कब हुआ? एक से लेकर 3 सेकेंड के बाद, 30 सेकेंड्स के अंदर कहाँ जा रहा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल? देखिए कहाँ जा रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है ना, कितना कहा मैंने, प्लस 20 हो जाता है। उसके बाद कब तक ये रहता है ऐसे, कितने सेकेंड्स तक? मैंने कहा एक से लेकर डेढ़ मिनट तक, ज़्यादा से ज़्यादा तो 60 सेकेंड्स, 80 सेकेंड्स, उसके बाद तो ये डिक्लाइन होने वाला है ना, इस पर वापस निगेटिव आने वाला है, ठीक है। तो ये है फास्ट ब्लॉक। लेकिन फास्ट ब्लॉक का एक बेसिक ड्रॉबैक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ फास्ट ब्लॉक? फास्ट ब्लॉक इज ट्रांजिएंट। अभी भी कुछ स्पर्म रेस में है, हम भी फ्यूज कर जाएंगे, लेकिन अब तक इसने रोक कर रखा था फास्ट ब्लॉक। अब क्या होना चाहिए? स्लो ब्लॉक, मीन्स परमानेंट कोई ब्लॉक आना चाहिए ना, इसके बाद कोई स्पर्म फ्यूज नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से परमानेंट ब्लॉक आना चाहिए। तो नेक्स्ट विच इज द परमानेंट ब्लॉक कॉल्ड एज स्लो ब्लॉक, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। इट इज रिक्वायर्ड कंप्लीटली ब्लॉक द फर्दर फर्टिलाइजेशन और कंप्लीटली टू ब्लॉक फर्दर फ्यूजन। कंप्लीट ब्लॉक करने के लिए या परमानेंट ब्लॉक के लिए स्लो ब्लॉक जरूरी होता है। स्लो ब्लॉक आकर इन मैमल्स, एम्फीबियंस एंड सीआरचिन, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में स्लो ब्लॉक होता है। और स्लो ब्लॉक मेडिएटेड बाय पार्टिकुलर रिएक्शन। स्लो ब्लॉक इज मेडिएटेड बाय पार्टिकुलर रिएक्शन। तो पार्टिकुलर रिएक्शन होता है, व्हाट इज पार्टिकुलर रिएक्शन? पार्टिकुलर रिएक्शन में जो पार्टिकुलर ग्रैन्यूल्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं और अपने अंदर जो मटेरियल है वह बाहर रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। अल्टीमेटली पार्टिकुलर रिएक्शन का आउटपुट होता है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एनवेलप। और एक बार फर्टिलाइजेशन एनवेलप बन जाए, मीन्स जो विट्रिलाइन एनवेलप है वो फर्टिलाइजेशन एनवेलप में कन्वर्ट हो जाए, तो अब कोई भी स्पर्म इसके साथ फ्यूज नहीं कर सकता, तो ये परमानेंट ब्लॉक है। तो पार्टिकुलर रिएक्शन का आउटपुट क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एनवेलप बना लेना। कैसे? तो हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं इस प्रकार की चीज बहुत सारे। ये है एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बिनिथ लगभग सीआरचिन में 15,000 के आसपास पार्टिकुलर ग्रैन्यूल्स होते हैं, यानी कि वेसिकल्स होती हैं 15,000 के आसपास। हर स्पेसीज में नंबर ऑफ पार्टिकुलर ग्रैन्यूल्स वैरी होते हैं, ऐसा नहीं कि सीआरचिन में 15,000 है तो मैमस में भी 15,000 होंगे, तो 15,000 हो जरूरी नहीं है, ये पार्टिकुलर ग्रैन्यूल्स है। पार्टिकुलर ग्रैन्यूल में अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। पार्टिकुलर ग्रैन्यूल में क्या क्या है पहले इसको लिख लें।
एक कॉर्टिकुलर ग्रैन्यूल सेरिन प्रोटीज CGSP है, क्या है? कॉर्टिकुलर ग्रैन्यूल सेरिन प्रोटीज। सेकंड कंपोनेंट है, बहुत सारे गैग्स है, गैग्स ग्लाइकोस अमीन ग्लाइकन्स है। तीसरा कंपोनेंट है VOVOP, दैट इज ओहो पर ऑक्सीडेज, OHOVPO ऐसा लिखना, ऐसा कुछ ओवी या ओहो पर ऑक्सीडेज है, एक पर ऑक्सीडेज है। टीजी है, ट्रांस ग्लूटामिनेज भी नाम का कोई एंजाइम है। UDX1 है जो कि एक हेल्प करने वाला प्रोटीन है, और हाइलाइन है, हाइलाइन लेयर फॉर्म करने वाला कोई प्रोटीन पड़ा हुआ है। तो बेसिकली बहुत सारे कंपोनेंट कॉर्टिकुलर ग्रैन्यूल्स में पड़े हैं, लेकिन ये कॉर्टिकुलर ग्रैन्यूल अभी तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बीनीथ है और अब तक बाहर, यहाँ बाहर ये कौन सा एनवलप, फर्टिलाइजेशन सॉरी विटिलाइन एनवलप प्रकार से ये विटिलाइन एनवलप प्रेजेंट है। और हम कह रहे हैं कि विटिलाइन एनवलप को किसी एक जगह से क्रॉस कर कोई स्पर्म ऑलरेडी फ्यूज हो चुका है। मान लीजिए इस जगह पर फ्यूजन हो चुका है, बट इट दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ फर्स्ट स्पर्म फ्यूजन। हम यहाँ पर दिखाएंगे नहीं इस फर्स्ट स्पर्म फ्यूज होने के बाद, लेकिन यहाँ पर हो चुका है। और स्पर्म फ्यूजन के बाद क्या होता है, एक तो चीज आप समझ में आ चुकी होगी क्या हो रहा है। जिस पॉइंट पर स्पर्म का फ्यूजन होता है उस पॉइंट, उस जगह पर क्या बढ़ना स्टार्ट होता है, यहाँ पर कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ। और मैंने कहा बढ़ना यहाँ पर स्टार्ट होगा, लेकिन ये वेव थोड़ी देर के बाद विद इन फ्यू सेकेंड्स पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को होकर अपोजिट एंड तक जाएगी। और एक तो चीज पता है आपको, कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर क्या होता है, कोई भी वेसिकल हो किसके साथ जाकर फ्यूज होना स्टार्ट होगी, मेम्ब्रेन के साथ। इसका मतलब पहले कौन से पॉइंट के कॉर्टिकुलर ग्रैन्यूल्स मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होना स्टार्ट करेंगे, जहां पर फर्स्ट टाइम स्पर्म इंटरेक्शन होता है, जहां से स्पर्म पहला वाला एंटर हो चुका है, तो वहां पर पहले तो पार्टिकुलर ग्रैन्यूल जाकर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होता है। ठीक है, मान लीजिए अब हम यहां से फ्यूजन बता दें, यहां पर जगह जगह पर इस प्रकार से पार्टिकुलर ग्रैन्यूल्स क्या हो चुके हैं, फ्यूज हो चुके हैं। और ये फ्यूजन इसी एरिया में थोड़ी होने वाला है, पूरे एंटायर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होने वाला है थोड़ी देर के बाद। ये स्टार्ट होता है 30 सेकेंड्स के बाद, आफ्टर फ्यूजन ऑफ फर्स्ट स्पर्म, स्लो ब्लॉक स्टार्ट्स आफ्टर 30 सेकेंड्स एंड इट इज कंप्लीटेड अप टू 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स के आसपास, एक मिनट खत्म होने से पहले ये कंप्लीट हो जाता है, मीन्स फर्स्ट ब्लॉक का इफेक्ट खत्म होने से पहले फर्टिलाइजेशन एनवलप बन ही जाता है पूरी तरह से। ठीक है, तो देखिए पहले क्या रिलीज होंगे, यहाँ से क्या रिलीज होंगे, पार्टिकुलर ग्रैन्यूल्स के अंदर जो मटेरियल है वो रिलीज होगा। इनको रिलीज क्यों करना है, क्योंकि बहुत सारे स्पर्म अभी भी इसके साथ आकर जुड़े थे, इंट्रैक्ट कर रहे थे, उसमें से एक स्पर्म सक्सेसफुली, जिसका हम लकी स्पर्म कह रहे हैं, कि वो जाकर फ्यूज हो चुका है, लेकिन ये भी इंट्रैक्ट कर रहे हैं ना किसके साथ, बाइंडिंग प्रोटीन का यूज कर इसके साथ इंट्रैक्ट कर रही है, EBR1 के साथ इंटरेक्ट, ये भी चाहते हैं कि फ्यूज कर जाए, लेकिन इसको रोक कर रखा गया है, फ्यूजन होने नहीं दिया जा रहा। किसने रोका है, फास्ट ब्लॉक ने, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज का, ये फ्यूज नहीं हो पा रहा है। एक तो अंदर चला गया, उसका आगे का प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ होगा। अब क्या होगा, इन सभी को हटाना है यहाँ से, नहीं तो फास्ट ब्लॉक खत्म होने के बाद ये भी फ्यूज हो जाएंगे और बहुत सारे न्यूक्लियाई अंदर चले जाएंगे। इसको हटाना है तो पहले तो एक एंजाइम यहाँ पर रिलीज हो रहा है, दैट इज द एंजाइम कॉल्ड एज कॉर्टिकुलर ग्रैन्यूल सेरिन प्रोटीज। कॉर्टिकुलर ग्रैन्यूल सेरिन प्रोटीज क्या करेगा, रिलीज होने पर आसपास के एरिया में जितने भी प्रोटीन्स पड़े हुए हैं बाहर, उन सबको डिग्रेड कराएगा, मीन्स बाइंडिंग डिग्रेड होगा, EBR1 डिग्रेड होंगे। तो बेसिकली स्पर्म और एग के बीच में इंट्रैक्शन कौन करा रहे थे, बाइंडिंग और EBR1 ही करा रहे थे ना, उनको ही डिग्रेड कर दिया। अब कोई स्पर्म एग के मेम्ब्रेन के साथ इंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और बाइंडिंग डिग्रेड होने के कारण अब फ्यूजन नहीं हो सकता, परमानेंटली नहीं हो सकता। पहला काम इसका है
CGSP का है। CGSP क्या काम किया इसने? पार्टिकुलर ग्रैन्यूल फ्यूज होने के बाद सेरीन प्रोटीज ने बाइंडिंग प्रोटीन को डिग्रेड कराया, अब फ्यूजन नहीं हो सकता। के बाद गैग्स ये रिलीज हो चुके हैं। गैग्स क्या करेंगे? आसपास से बहुत सारा वाटर एब्सॉर्ब कर लेंगे। गैग्स दे विल एब्सॉर्ब द वाटर इन द लार्ज अमाउंट एंड नाउ दिस विटिलाइन एनवेलप गेट लिफ्टेड अबोव बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द थिकनेस। ये क्यों ये लिफ्ट किया जा रहा है ऊपर, ऐसे क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि इसके नीचे क्या पड़े हैं? गैग्स पड़े हुए हैं। गैग्स मीन्स ग्लाइकोज आमिन ग्लाइकन। वी नो दैट गैग्स दे आर हैविंग चार्ज एंड दे कैन एब्सॉर्ब द वाटर। एब्सॉर्ब होने के कारण वो स्वेल हो चुके हैं और स्वेलिंग की वजह से क्या हुआ? जिस एरिया में गैग्स बाहर रिलीज हो चुके हैं उस एरिया में विटिलाइन एनवेलप को दूर किया जा रहा है ताकि और कोई स्पर्म कोशिश ना करे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करने। तो ये सेकेंड इफेक्ट है। नेक्स्ट गैग्स खत्म हुई, उसके बाद जो मेम्ब्रेन उठा लिया गया है ऊपर उसको स्टेबिलाइज करना है। स्टेबिलाइजेशन के लिए UDX नाम का कोई प्रोटीन यहाँ पर H2O2 बना रहा है। दैट इज अ परऑक्साइड। UDX1 नाम का कोई प्रोटीन H2O2 बनाकर यहाँ पर रिलीज कर रहा है। व्हाट इज द रोल ऑफ H2O2? इट इज यूटिलाइज्ड टू कैरी आउट द क्रॉस लिंकिंग ऑफ टू प्रोटीन्स। दो प्रोटीन के क्रॉस लिंकिंग के लिए लगता है जो कि इस पूरे लिफ्टेड मेम्ब्रेन को स्टेबिलाइज करते हैं। इधर से कोई प्रोटीन और इधर से कोई प्रोटीन, इधर से कोई प्रोटीन और इस साइड से प्रोटीन, ये क्रॉस लिंकिंग करवा रहा है। बेसिकली जो लिफ्टेड मेम्ब्रेन है उसको उठाकर रखने की कोशिश कर रहा है। क्रॉस लिंकिंग के लिए कौन से प्रोटीन? एक है ओहो पर ऑक्सीडेस OVPO और दूसरा है TG ट्रांसग्लूटामिनेज। लेकिन ट्रांसग्लूटामिनेज और ओहो पर ऑक्सीडेस तभी काम कर सकते हैं ना जब कौन काम कर जाए? UDX1 काम कर जाए जो कि H2O2 प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस H2O2 इज ब्रॉट और प्रोड्यूस बाय हुम? UDX1। तो मेम्ब्रेन उठा लिया गया पर अब ये यहां पर थोड़ी हो रहा है, ये चीज जो यहां हो रही है वो पूरे के पूरे थोड़ी देर बाद पूरे के पूरे एग के अराउंड होने वाली है ना। उसके बाद और एक प्रोटीन रिलीज किया जा रहा है, और एक प्रोटीन बाहर रिलीज किया जा रहा है जिसका नाम आखिरी वाला हाईलाइन प्रोटीन। और हाईलाइन प्रोटीन क्या करता है? टफ कोट बना लेता है। इट विल फॉर्म द टफ कोट अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी देर बाद। ये सभी चीज़ें हैं लेकिन इसके बाहर इस मेम्ब्रेन के नीचे इसका लेयर बनता जा रहा है, हाईलाइन प्रोटीन का लेयर, हाईलाइन लेयर। इसके अंदर क्या है? एग का मेम्ब्रेन ही है। हाईलाइन लेयर बन चुका है। हाईलाइन लेयर फॉर्मेशन इज द लास्ट स्टेप इन द स्लो ब्लॉक। हाईलाइन लेयर फॉर्मेशन इज द लास्ट स्टेप इन द स्लो ब्लॉक। क्या क्या हुआ फिर स्लो ब्लॉक में? क्या हुआ? पार्टिकुलर ग्रैन्यूल का फ्यूजन हुआ, सेरीन प्रोटीज रिलीज हुए, उन्होंने सब रिसेप्टर को कट कर दिया ताकि कोई और स्पर्म इंटरेक्ट ना कर सके, फ्यूज ना हो। उसके बाद गैग्स ने मेम्ब्रेन को उठा लिया, उठाने वाले मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन चले आए OVPO और उसके अंदर H2O2 बनाकर देने लगा UDX1 और आखिरी में क्या हुआ? हाईलाइन लेयर बना। इसका मतलब है थोड़ी देर बाद आप एग को देखेंगे ना, फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है अंदर, इसे जायगोट भी बन जाएगा आगे चलकर। उसके बाहर सबसे पहला वाला लेयर क्या रहेगा? ये हाईलाइन लेयर रहेगा और उसके बाहर विटिलाइन एनवेलप को उठाया गया है प्रकार से ऊपर, और विटिलाइन एनवेलप को उठाकर स्टेबलाइज करने का काम किसका है? क्रॉस लिंकिंग प्रोटीन का है। अब जो विटिलाइन एनवेलप नहीं रहा, हाईलाइन प्लस विटिलाइन एनवेलप का मिलकर एक नया एनवेलप बन चुका है। तो हम क्या कह रहे हैं? ये पूरा जो एनवेलप है ना, ये पूरा का पूरा जो है, इसको हम क्या कह रहे हैं? ये बाहर जो एक लेयर बन चुका है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एग के या फर्टिलाइज एग के, ये क्या है? इट इज अ फर्टिलाइजेशन एनवेलप। तो अल्टीमेट स्लो ब्लॉक का रिजल्ट क्या है? फर्टिलाइजेशन एनवेलप का बन जाना। क्लियर है? तो इस प्रकार से स्लो ब्लॉक सभी ऑर्गेनिज्म में इसी प्रकार से ऑपरेट करता है। यहाँ पर इस डायग्राम में यही बताने की कोशिश की जा रही है, जहां इंट्रैक्शन हुई वहां से कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा अपोजिट डायरेक्शन की तरफ। जैसे
इस डायरेक्शन में, यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर स्पर्म इंटरेक्शन में, स्पर्म इंटरेक्शन के बाद कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है उस पर्टिकुलर जगह पर, इसको ढूंढने के लिए कुछ डाइज एग के अंदर इंजेक्ट कर रख सकते हैं, जो कि स्पर्म, सॉरी, कैल्शियम बढ़ने पर फ्लोरोसेंस देना स्टार्ट करें। व्हाट वी हैव डन, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वी कैन डू, हम क्या करेंगे, एग के अंदर पहले से कुछ डाइज इंजेक्ट करके रखेंगे, जैसे कि एक डाई है जिसका नाम है प्यूरा टू, प्यूरा टू नाम का डाई है, या एक्वेरियन जो एक प्रोटीन है। इन डाइज और प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक है, ये तभी ल्यूमिनेसेंस देते हैं, फ्लोरोसेंस देते हैं जब कैल्शियम बढ़ता है। वैसे तो पूरे के पूरे एग में इसको हमने स्प्रेड कर दिया है ना, प्यूरा टू को, एक्वेरियन को, लेकिन हमने देखा जहां स्पर्म इंट्रैक्शन कर रहा है वहीं से ल्यूमिनेसेंस आ रहा है पहले। इसका मतलब क्यों आया होगा वहां से ल्यूमिनेसेंस, क्योंकि वहां पर कैल्शियम रिलीज हुआ होगा। थोड़ी देर बाद हमने देखा ये ल्यूमिनेसेंस बढ़ने लगा ना, और ज्यादा बढ़ चुका है, अब तो पूरा इस तरफ आने लगा है, इस तरफ खत्म हुआ, इस तरफ आने लगा है। मीन्स इमेजिन कर सकते हैं, यहां पर स्टार्ट हुआ, ये इधर मूव हो रहा है, ल्यूमिनेसेंस, यानी कि क्या मूव होता होगा, कैल्शियम आयन की वेव मूव होती होगी, और अल्टीमेटली कहाँ आकर खत्म हुआ, देखिए इधर स्टार्ट हुआ था, इधर तो खत्म हो चुका है, इधर आकर खत्म हुआ, ये सब आखिरी में जाकर कैल्शियम जो पूरे एग में बढ़ा था थोड़ी देर बाद वो भी खत्म होने वाला है, उसको वापस सिक्विस्टर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कैल्शियम बढ़ा ही रहेगा, बढ़कर रहेगा परमानेंटली, थोड़ी देर के लिए हो रहा है, कैल्शियम आउटबर्स्ट देखी जा रहे एग के अंदर, कब कब, जब फर्टिलाइजेशन होता है। तो दिस इज अबाउट द स्लो ब्लॉक टू पॉलिस्पर्म। उसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, तो फर्टिलाइजेशन का बस पर्पज इतना नहीं है कि एक न्यूक्लियस और सेंट्रियोल कंट्रीब्यूट कर दो न्यूक्लियस को फ्यूज कर डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना दे, इतना ही पर्पज नहीं है। फर्टिलाइजेशन हैज अनदर रोल अलॉन्ग विद द फ्यूजन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मेटाबॉलिक एक्टिवेशन ऑफ द एग इज डन। और देखा गया मेटाबॉलिक एक्टिवेशन करने के लिए कोई भी एनिमल रहे, कोई भी एनिमल रहे, मेटाबॉलिक एक्टिवेशन के लिए एक चीज तो कॉमन है, इंक्रीज इन कैल्शियम एंड कॉन्सेंट्रेशन इज रिक्वायर्ड इन द एग साइटोसोल, एंड नॉट ओनली इंक्रीज इन द कैल्शियम एंड कॉन्सेंट्रेशन बट देर इज नीड ऑफ इंक्रीज इन द पीएच। ये दो चीजें ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स में कॉमन है, कि मेटाबॉलिक एक्टिवेशन तब होता है जब कैल्शियम एंड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, जब पीएच बढ़ जाए। और ये कैसे बढ़ता है, हम अभी अभी डिस्कस कर, ये किसके कारण बन जाए, बढ़ जाएगा, आई थिंक वहां पर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। इधर बाइंडिंग EBR1 की इंट्रैक्शन, जो कॉर्टिकुलर रिएक्शन करवा रहा था वही मेटाबॉलिक एक्टिवेशन करवा रहा है, वही पाथवे, क्योंकि उसी पाथवे के दौरान क्या बढ़ा था, कैल्शियम बढ़ा था। कैल्शियम ने किस चैनल को ओपन अप कर दिया, प्रोटॉन सोडियम चैनल को ओपन कर दिया, सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, प्रोटॉन बाहर जाने लगे, सोडियम अंदर आने लगे, क्या सिचुएशन आ गई, एक के अंदर अल्कलाइन कंडीशन आ गई। ये होता कैसे है, ये होता कैसे है, पूरी प्रोसेस अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली CRChain में मेटाबॉलिक एक्टिवेशन के लिए सिग्नल कहाँ से आता है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक एक्टिवेशन के लिए सिग्नल कहाँ से आता है, स्पर्म से आता है। कैसे, या तो सिग्नल स्पर्म डायरेक्टली रिलीज करेगा एग के अंदर, या उसके मेम्ब्रेन पर लेकर आएगा इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड लिगैंड, जैसे कि CRChain में कौन है जो कि लिगैंड के तौर पर काम कर रहा है, कौन सा प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन, और रिसेप्टर कौन सा है, EBR1। एक तरीका है मेटाबॉलिक एक्टिवेशन का, लेकिन फाइनल तो चीज वही होने वाली है, इंक्रीज इन कैल्शियम, इंक्रीज इन पीएच। कैसे होता है, इसने किसको एक्टिवेट कर दिया, फॉस्फोलिपिड सी गामा ऑफ द एग, इसने क्या कर दिया, PIP2 को IP3 और DAG में कन्वर्ट कर दिया। और हम कह रहे हैं IP3 क्या करेगा, कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। कहाँ से लाएगा कैल्शियम, बाहर से। यहाँ पर ये भी चीज याद रखनी है, कैल्शियम बढ़ रहा है ठीक है, लेकिन कहाँ से आ रहा है, इनसाइड द एग, बाहर से कैल्शियम नहीं आ रहा है ना, ER से आ रहा है, SER से आ रहा है, ठीक है। देखिए मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, कॉर्टिकुलर रिएक्शन, फ्यूजन, इन सभी जगह पर जो कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है वो बाहर से नहीं आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, सेल के अंदर से ही रिलीज किया जा रहा है, जो कलेक्ट करके रखा गया था कैल्शियम बढ़ने के बाद।
टीएजी और कैल्शियम मिलकर हम ये पाथवे पढ़ चुके हैं, किसको एक्टिवेट करेंगे, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करेंगे, और प्रोटीन काइनेज सी एक चैनल को खोल देगा, एक्सचेंजर को खोल देगा बेसिकली, ये सोडियम प्रोटॉन एक्सचेंजर, ऐसा एक्सचेंजर स्पर्म पर भी था। हाँ, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में, जो मोटिलिटी कंट्रीब्यूट करने के लिए, डायरेक्शनलिटी कंट्रीब्यूट करने के लिए, ऐसा था। तो वही प्रोटॉन बाहर जाने लगे, सोडियम अंदर आने लगा, तो पीएच बढ़ने लगा, पीएच बढ़ा और सेल के अंदर क्या बढ़ चुके हैं। तो किसी भी फर्टिलाइजेशन के दौरान कैल्शियम बढ़ने के क्या क्या नतीजे हो सकते हैं, पीएच बढ़ने के क्या क्या नतीजे हो सकते हैं, तो दो कैटेगरीज में बांट दिया गया है, अर्ली रेस्पॉन्स एंड लेट रेस्पॉन्स। अर्ली यानी कि कुछ सेकेंड्स के अंदर कैल्शियम बढ़ने के बाद रेस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। क्या क्या हो रहा है इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर फर्टिलाइजेशन, सॉरी, फास्ट ब्लॉक हो रहा था, हुआ था कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण, कितने सेकेंड्स के अंदर, विद इन 3 सेकेंड्स और विद इन 1 सेकेंड। एग और स्पर्म का मेम्ब्रेन फ्यूज हो रहा था, कैल्शियम का बढ़ने के कारण ही हो रहा था, एग और फर्टिलाइजेशन कोन बन रहा था, उधर से बाइंडिंग प्रोटीन फ्यूजन प्रोटीन के तौर पर काम कर रहा था। ये अलग से रटने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम इंक्रीज इन, सॉरी, कॉर्टिकुलर ग्रैन्यूल एक्सोसाइटोसिस हो रहा था, दो ब्लॉक भी हो रहा था कैल्शियम बढ़ने का, ये भी कितने दिन, सेकंड में। मैंने कहा वैसे तो यहाँ पर 15 to 60 सेकंड लिखा हुआ है, हमने तो 30 सेकंड से 60 सेकंड लिखा है, तो स्पेसिस टू स्पेसिस वैरी हो सकता है, लेकिन फिर भी 1 मिनट के अंदर दो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लेट रेस्पॉन्सेज भी होते हैं कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण, पीएच बढ़ने के कारण, जैसे एक्टिवेशन ऑफ एनएडी काइनेज कब हो रहा है, 1 मिनट के बाद। देखिए, पीएच बढ़ने के कारण, कैल्शियम बढ़ने के कारण और क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एनएडी काइनेज एक्टिवेट हो जाएगा। एनएडी काइनेज एक्टिवेट होकर क्या करेगा, एनएडी को एनएडीपी में कन्वर्ट करेगा। एनएडीपी का आइकन लगता है, लिपिड बायोसिंथेसिस के लिए लगता है एनएडीपीएच, तो लिपिड बायोसिंथेसिस स्टार्ट हो रही है। रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, एग का रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, क्योंकि आप काम करना है तो एटीपी लगेगी ना। रेस्पिरेटरी आउटबर्स्ट देखा जाता है एग में। अब रेस्पिरेशन होगा तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस बनेंगी, अब तक तो नहीं बन रही थी क्योंकि रेस्पिरेशन ही हो रहा था। उससे बचने के लिए कुछ एंटी ऑक्सीडेंट एंजाइम्स बनाए जा रहे हैं बचने के लिए, एग के जायगोट बनते बनते एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम, जैसे परऑक्सीडेज, कैटलेज, इस प्रकार के एंजाइम बनाने लगे साथ में। और क्या था होता था नेक्स्ट, डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो रही है। मीन्स डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होना यानी कि किस प्रोसेस को स्टार्ट करना, रेप्लिकेशन स्टार्ट होना। कैल्शियम बढ़ने का, पीएच बढ़ाने का, ये बेसिकली आउटपुट है। और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो रही है, अब तक प्रोटीन क्यों नहीं बन रहे थे, क्योंकि जितने भी एमआरएनए हैं उनको हमने मास्किंग प्रोटीन का यूज कर ब्लॉक कर रखा था, लेकिन कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के बाद मास्किंग डिग्रेड हो जाता है, और डिग्रेड होने के बाद सभी एमआरएनए अब ट्रांसलेशन के यूज किए जाने लगे, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो चुकी है। साइक्लिन बी की सिंथेसिस हो रही है, साइक्लिन बी सिंथेसाइज हो गया यानी कि एमपीएफ बना, या सभी साइक्लिन बनने लगे हैं। साइक्लिन बनना यानी कि कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, सेल साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो देखिए, जब कभी कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है जाइगोट में या एग में, जिसके साथ स्पर्म का फ्यूजन हो चुका है, या पीएच बढ़ता है, तो क्या क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस स्टार्ट होती है, डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होती है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, सेल साइकिल स्टार्ट होती है, एंटीऑक्सीडेंट बनना स्टार्ट होते हैं, रेस्पिरेशन बढ़ता है, कॉर्टिकुलर रिएक्शन हो जाती है, फास्ट ब्लॉक हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इनमें से क्या नहीं होता है, ये पूछा जाएगा, क्या क्या होता है याद रखें। व्हाट आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इफ फर्टिलाइजेशन ना कर, तो कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आज तक आए हैं इस पर, तो बस क्या क्या होता है ये हमें याद रखना है, और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन स्टार्ट कर रहा है, किसका इंटरेक्शन, बाइंडिन और ईबीआर1, एक्चुअली ये किसके थ्रू हो रहा है, किस एंजाइम का एक्टिवेशन कर,
फॉस्फोलाइपिस गामा का एक्टिवेशन कर, इसको एक्टिवेट करने की स्पर्म, इसके एक्टिवेट करने के लिए स्पर्म डायरेक्टली कुछ मटेरियल सेल के एग के अंदर भी रिलीज करते हैं। जैसे कि सी आर्चिन की बात करें, एक मटेरियल है NADP, इट इज इंट्रा सेलुलर सिग्नल रिलीज बाय द स्पर्म इटसेल्फ। बाहर से सिग्नल दे रहा है, अंदर भी सिग्नल भेज रहा है, और ये भी आगे चलकर क्या करेगा, फॉस्फोलिपिड सी गामा को ही एक्टिवेट करेगा। प्रोसेस तो वही है लेकिन तरीका अलग है। मैमल्स में हम क्या डिस्कस करेंगे आगे, मैमल्स में बाइंडिंग प्रोटीन तो होता नहीं है, मैमल का स्पर्म डायरेक्टली जब एग के अंदर एंटर करता है, एग के अंदर एंटर करने पर वो खुद एक्टिव फॉर्म में फॉस्फोलाइपेज जीटा नाम का फॉस्फोलाइपेज रिलीज करता है। देखिए मैमलियन मेटाबॉलिक एक्टिवेशन में और सी आर्चिन के मेटाबॉलिक एक्टिवेशन में लगभग प्रोसेस सेम है, बस पहला चेंज सिग्नल कहाँ से आया, यहाँ पर सिग्नल बाइंडिंग दे रहा था या NADP दे रहा था, यहाँ पर कौन दे रहा है, स्पर्म खुद इंट्रा सेलुलर क्या रिलीज कर रहा है, फॉस्फोलाइपेज जीटा रिलीज कर रहा है, बस इतना चेंज है, अदरवाइज बाकी एंटायर प्रोसेस तो सेम ही है। तो दिस इज अ मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। नाउ लास्ट स्टेप इज द जेनेटिक मटेरियल फ्यूजन। अब तक क्या हो चुका है, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है और इस साइड में हम पता है न्यूक्लियस के आसपास ही होता है ना सेंट्रियोल का पेयर, ये सेंट्रियोल है पेयर और ये न्यूक्लियस है एग का, इसके पास भी सेंट्रियोल का पेयर है लेकिन आगे ये डिग्रेड होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, जायगोट बनने के लिए दोनों का फ्यूजन होना जरूरी है। अब तक जो प्रोसेस हम पढ़ रहे थे वह लगभग सी आर्चिन में 70 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाते हैं, 70 मिनट्स लगते हैं। कहाँ तक की प्रोसेस, सभी प्रोसेसेस एक्सेप्ट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया है, ये किसका न्यूक्लियस है, मेल प्रोन्यूक्लिया है और ये किसका है, फीमेल। अभी तक जायगोट थोड़ी बना है, दो प्रोन्यूक्लिया है तो अलग अलग साइटोसोल में पड़े हुए हैं ना, दोनों को फ्यूज करने तक, करने से पहले तक कितने मिनट्स लगे, 70 मिनट लगे। अब ये फ्यूजन प्रोसेस को सिर्फ और सिर्फ फ्यूजन प्रोसेस को 20 मिनट लगते हैं, यानी कि डिप्लॉयड जायगोट कब बनेगा, टोटल कितना समय लगेगा, 90 मिनट लगेंगे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होने से लेकर क्लीवेज स्टार्ट होने तक का समय। अब क्लीवेज हो रहा है यानी कि जायगोट बनकर ही होता होगा ना, तो 90 मिनट्स के आसपास समय लगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप तो मेल प्रोन्यूक्लिया और फीमेल प्रोन्यूक्लिया में बहुत सारे चेंजेस होते हैं फ्यूजन के दौरान। मेल प्रोन्यूक्लिया में क्या चेंजेस हो रहे हैं, मेल प्रोन्यूक्लिया बहुत ही हाईली कंडेंस स्टेट में था अब तक, अब पहला तो चेंज डीकंडेंसेशन स्टार्ट, उसके पहले सेंट्रियोल इस साइड में था, अपनी पोजीशन बदल कर इधर आ जाता है, कहाँ पर, मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लिया के बीच में आ जाता है। पहले कहा था लेफ्ट साइड में रहा होगा न्यूक्लियस के, तो अब कहाँ आ रहा है, लगभग कितना माइग्रेशन कर रहा है, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का माइग्रेशन कर इधर आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है। ये कह रहा है कि मैं दोनों को माइक्रोट्यूबुल बना कर दूंगा, एक दूसरे की तरफ आने के लिए ट्रैक बना कर दूंगा। तो ये इधर आया और ट्रैक बनाने लगा इन दोनों के बीच, ये क्या बनाने लगा है, ट्रैक बनाने लगा इस प्रकार, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाना है। ये ट्रैक बनाया किसने, मेनली बाय सेंट्रियोल, मेल सेंट्रियोल्स, ठीक है। अब ये सेंट्रियोल का काम तो खत्म हो चुका है, लेकिन इमेजिन देयर इज अ ट्रैक, साथ साथ डीकंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल हाईली कंडेंस फॉर्म में था, प्रोटामिन जुड़े थे ना, अब डीकंडेंसेशन होने लगा है, रिलैक्सेशन होने, साथ साथ न्यूक्लियर एनवलप वैनिश हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवलप गायब हो जाएगा, वैनिश न्यूक्लियर एनवलप। तो यहाँ पर न्यूक्लियर एनवलप तो रहा नहीं और उल्टा जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो चुका है, डीकंडेंस हो चुका है। इधर भी ऐसी प्रोसेस चल रही है, जो मेल न्यूक्लियस के साथ हो रहा है वो फीमेल न्यूक्लियस के साथ भी हो रहा है, मीन्स न्यूक्लियर एनवलप गायब हो चुका है, जेनेटिक मटेरियल पूरी तरह से अब एक्सपोज हो चुका है। अब तक जो मेल न्यूक्लियस के अंदर जो DNA था उसके साथ प्रोटामिन जुड़े थे, प्रोटामिन जुड़ने के कारण बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में था, तो अब फीमेल न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोटीन्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से प्रोटामिन हटाते जाएंगे, देयर इज अ रिमूवल ऑफ प्रोटामिन, क्योंकि उसको कहा जा रहा है अब प्रोटामिन का काम नहीं है, आप हट जाओ। अब क्या जोड़े जा रहे हैं यहाँ पर,
एग स्पेसिफिक, एग स्पेसिफिक हिस्टोन्स जोड़े जा रहे हैं। तो प्रोटामिन हटाकर हिस्टोन को जोड़ना, ये फ्यूजन के पहले किया जा रहा है, ठीक है। साथ में हम स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ रहे थे, स्पर्म स्पेसिफिक मिथाइलेशन किया जाता है जिसको हम प्रिंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, नहीं आप जायगोट में आ चुके हो, अब पार्सिलिटी नहीं करनी है कि आप स्पर्म से आए हो या एग से आए हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो आप क्या करो, डी मिथाइलेशन क्या हटाया जा रहा है, स्पर्म स्पेसिफिक मिथाइल ग्रुप्स हटाए जा रहे हैं, मीन्स बेसिकली इम्प्रिंटिंग हटाई जा रही है यहाँ फ्यूजन के पहले। एग से भी, एग स्पेसिफिक भी इम्प्रिंटिंग हटाई जाएगी, यानी कि अब समझ में नहीं आएगा कि इनिशियली न्यूक्लियस कहाँ से आया है, ठीक है। नेक्स्ट, और एक डीकंडेंसेशन, न्यूक्लियर एनवेलप गायब होना, प्रोटामिन हटाकर हिस्टोन अटैच करना, डीमिथाइलेशन होना। अब ये जो एक्सपोज न्यूक्लियस है विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप एक दूसरे की तरफ माइग्रेट करेंगे और अल्टीमेटली ये दोनों एक दूसरे के अंदर आकर इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो देर इज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ द न्यूक्लियाई और वापस इनके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा। तो क्या हो रहा है अब इस न्यूक्लियस को क्या कहेंगे, इज इट हैप्लॉइड, नो, व्हाट इज इट, ट्रिप्लॉइड। तो आप क्या बन चुका है, 2n जायगोट बन चुका है। तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस दिख रहा है ना यहाँ पर, आगे चलकर ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस प्रोसेस में चला जाएगा, क्लीवेज, क्लीवेज का स्टार्ट होना यानी कि फर्टिलाइजेशन का खत्म होना है। और ये कब स्टार्ट होगा, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होने के बाद जस्ट आफ्टर 90 मिनट्स। तो ओवरऑल क्या स्टेप्स है फर्टिलाइजेशन, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, बस फर्टिलाइजेशन के क्या स्टेप्स है, स्पॉनिंग, हीमोटैक्सिस के बाद एक्रोसोमल रिएक्शन जो कि जेली कोट के साथ इंटरेक्शन होने के बाद होती है, उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ जेली कोट एंड इंटरेक्शन विद द विटिलाइन एनवेलप, विटिलाइन एनवेलप के साथ इंटरेक्शन के बाद विटिलाइन एनवेलप का डिग्रेडेशन होना और बाइंडिंग EBR1 की इंटरेक्शन होना जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिलीज ऑफ कंटेंट ऑफ स्पर्म इनटू द एग साइटोसोल, साथ में दूसरा स्पर्म नहीं आना चाहिए इसलिए ब्लॉक टू पॉलीस्पर्म, फास्ट ब्लॉक स्लो ब्लॉक, उसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिवेशन और उसके बाद फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियाई। ये स्टेप्स है कुछ, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब लगभग इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसी के जैसा है लेकिन कुछ चेंजेस है, उन चेंजेस पर हमें फोकस करना है बस,